तो 500 सीरीज सबसे हेवी होता है, इनफैक्ट 500 नहीं, 400 एंड 500। सर हमारे दुख दर्द ऐसे कम मत करो, 400 और 500 हम लोगों ने कवर किया है। अब 400 और 500 कवर करने के बाद मैं सोच रहा था आपको थोड़ा लाइट वेट कुछ करवाया जाए, प्रोफेशनल एथिक्स के शॉर्टकट्स करवा देता हूँ, करेक्ट? तो सबसे पहले हम थोड़ा ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते, समय आएगा उसका भी, वो भी करना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान दें। तो जहर में भी हमने क्या सुना, पहले लालटेन, गुस्सा और फिर उसके बाद डिडेंट था, जेम्स बॉन्ड, ठीक है? ओके, हाँ नोट्स पे हम लोग अभी, पेज नंबर नोट्स पे 7.3 पे, नोट्स पे 7.3, तो आज से, हाँ बराबर, बुक में जो दिया है वो फीस के हिसाब से और यहाँ पे आईपैड के हिसाब से ध्यान नहीं। तो आज से 5 साल पहले हमने इसको डेवलप किया था, आज भी वही चल रहा है, क्योंकि क्लॉज ही नहीं बदले भाई। हाँ ध्यान देंगे, अभी सर ने सवाल निकाला तो 2020 का जो कोड ऑफ एथिक्स आया है उसका कोई लेना देना नहीं है, सीए मतलब ऐसा गलत बोल रहे हो, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है क्लॉजेस पे, क्लॉजेस आर जो थे वही है, क्लॉजेस सेम है जब तक सीए एक्ट अमेंड नहीं होता। तो सर हुआ क्या है, कोड ऑफ एथिक्स मतलब जो प्रिंसिपल्स होने चाहिए कोड ऑफ एथिक्स के, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, वो प्रिंसिपल्स को इंटरनेशनल लाइंस पे रिवाइज किया गया है, तो गया है जो आपके कोर्स को एप्लीकेबल नहीं है, करेक्ट? और आगे भी नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो नया जो कोड ऑफ एथिक्स है वो पढ़ाई के लिए रेलेवेंट नहीं है अभी जो नजर आ रहा है, और ना ही आगे जाके रेलेवेंट होगा अनलेस दे टेक फ्यू पॉइंट्स, तो चिंता मत करिए। चलिए ध्यान दीजिए, इमेज रिकॉग्निशन मेमोरी टेक्निक है, कितने लोग जानते हैं इस टेक्निक को पहले से? कुछ लोग जानते होंगे, कुछ कोई बात नहीं, जो जानते हैं पढ़ा रिवाइज कर लीजिए। नाउ ये अब याद रखने का और एक तरीका है, कोरॉइड प्रोसेस 400 सीरीज 500 सीरीज के बाद थोड़ा सा लाइट वेट। अब इसमें एक बात को ध्यान रखना, आपको टेक्स्ट रीड नहीं करना, यू डोंट हैव टू रीड एनी टेक्स्ट, आपको सिर्फ इमेजेस। तो यहां पे पहले 4 एक्टर एक्ट्रेस है, पहले आपको, ठीक है, एक फोटो दिख रहा है, वो किसका है, नरगिस, ठीक है, नरगिस, और उसके बाद में बाजू में ब्लू कलर का शर्ट, दैट इज परेश रावल, सब लोग ध्यान देंगे बताएंगे, परेश रावल, उसके बाजू में आलिया भट्ट, उसके बाजू में प्रभु देवा। तो 4 एक्टर एक्ट्रेस है, इमेजेस बहुत फास्ट दिमाग में बैठ जाते हैं क्विकली, पहला कौन है, नरगिस, बाजू में परेश रावल, उसके बाजू में आलिया
आलिया भट्ट, उसके बाजू में प्रभु देवा, फिर एक व्हाइट कलर की आपको गाड़ी दिख रही है, दैट इज स्कॉर्पियो, एक ब्लैक कलर की फ्लैट गाड़ी दिख रही है आपको, दैट इज ऑडी, फिर आपको ब्राउन कलर की एक एसयूवी दिख रही है, दैट इज डस्टर, बराबर ध्यान देंगे, समझ रहे हो मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है, न्यूरॉन्स में आपस में तालमेल बिगड़ रहा है, फिर आग, ठीक है बहुत बढ़िया, मैं और एक सुनाऊंगा फिर स्थिति बचेंगी नहीं फिर सब मोह माया सर, अब आपका पढ़ाओ ध्यान देंगे, और आखिरी में एक गाड़ी है, दैट इज रेकर की टोयोटा कैमरी। अब इमेजेस, चार एक्टर एक्ट्रेस है, गाड़ियां पहले बताएंगे, व्हाइट स्कॉर्पियो, ब्लैक ऑडी, ब्राउन डस्टर, रेड कैमरी, ये आपके आठ, जनरली 10 क्लॉज तक लोगों को याद होता है, उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होता है, 10 क्लॉज तक याद होता है। तो पहले नरगिस है, सीए इन प्रैक्टिस है, नाम के बिहाफ में, हु कैन वर्क इन बिहाफ ऑफ द फर्म, नाम के बिहाफ में कौन काम कर सकता है, सीए फर्म के नाम के बिहाफ में कौन काम कर सकता है, ठीक है, नहीं मैं सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूं, क्लॉज डिस्कस नहीं कर रहा, वह बिल्कुल सर शुरू हो गया सर, ये आता है मेरे को, बराबर बिल्कुल सही, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो नरगिस, ठीक है, नेम ऑफ द सीए फर्म, उसके बिहाफ में, नाम के बिहाफ में कौन काम कर सकता है, वो नरगिस के बारे में कौन था, परेश रावल, परेश रावल, दैट इज पेइंग शेयर ऑफ द फीस, हम किसको पे कर सकते हैं, शेयर ऑफ द फीस, छह लोगों को हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिसके जो नोट्स है उसके हिसाब से श्रद्धा अनुसार, मतलब ब्रेक करने का तरीका थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, परेश रावल इज पेइंग शेयर ऑफ द फीस, उसके बाद में आलिया भट्ट, दैट इज एक्सेप्टिंग शेयर ऑफ द फीस, आलिया भट्ट के बाजू में कौन, प्रभु देवा, दैट इज पार्टनरशिप, हम पार्टनरशिप किसके साथ कर सकते हैं, क्विकली नरगिस, नाम के बिहाफ में कौन काम करता है, परेश रावल पेइंग शेयर ऑफ द फीस, आलिया भट्ट एक्सेप्टिंग शेयर ऑफ द फीस, प्रभु देवा पार्टनरशिप, फिर स्कॉर्पियो है सिक्योरिंग वर्क, हम काम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, हम एजेंट्स नहीं रख सकते, सिक्योरिंग वर्क, उसके बाद में ऑडी है, हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, उसके बाद में यू हैव डस्टर, हम डेजिग्नेशन सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन नॉट हाईलाइट अवर अचीवमेंट्स, डेजिग्नेशन एंड अचीवमेंट्स के ऊपर है, और आखिरी में कैमरी, कम्युनिकेशन विथ प्रीवियस ऑडिटर, कम्युनिकेशन विथ प्रीवियस ऑडिटर। अब ऐसा है कि अगर आपको ऐसा आता है पार्टनरशिप, तो प्रभु देवा 1 2 3 4, अगर आता है साहब डेजिग्नेशन, तो भाई चार ये हो गए, 5 6 7, नंबर अपने आप आएगा, मैं क्यों ये बोल रहा हूं, नंबर याद मत रखिए, क्यों, क्योंकि नंबर्स दगाबाज है, क्यों दगाबाज है, क्योंकि 1 2 3 4 हर पार्ट के, हर शेड्यूल के हर पार्ट में 1 2 3 4 आता है, फिर वहां होता है प्रॉब्लम, मंगल जो नंबर्स है आपस में, ठीक है, जंबल हो जाएंगे, ठीक है, आतंक मचाते हैं, और फिर नंबर्स कारों के क्लॉज में भी आते हैं, नंबर्स ऑडिट टैक्स ऑडिट के क्लॉज में भी आते हैं, मैं सारे याद करा दूंगा, नहीं हुए तो पैसे वापस प्रपोर्शनेटली बराबर चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रपोर्शनेटली, लेकिन जहां तक अनलेस किसी को इमेजेस से प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को हो सकता है इमेजेस से प्रॉब्लम, बहुत रेयर होते हैं, अनलेस किसी को इमेजेस से प्रॉब्लम है, आई अश्योर ऑल द क्लॉजेस, 34 क्लॉजेस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, 50 क्लॉजेस ऑफ टैक्स ऑडिट एंड 16 क्लॉजेस ऑफ कारो, वो तो याद हो जाएंगे, ठीक है, अभी 16 ही है कारो में, अगले अटेम्प्ट से और बढ़ जाएंगे, ध्यान देंगे। अब ये लोग चार एक्टर एक्ट्रेस है और चार इनकी गाड़ियां है और ये लोग चार सिटीज में, तो पहला इमेज अगर आप देखेंगे तो मंदिर है, मान लो रांची का मंदिर है, मंदिर कहाँ का है, रांची, फिर वहां पे आपको एक मार्केट लगा दिखता है, वो कहाँ का है, फिरोजाबाद, फिर बाद में आइकॉनिक ताज होटल है, कहाँ का है, बॉम्बे, फिर भगवान की मूर्ति है शिरडी, साई बाबा भगवान की मूर्ति है शिरडी, क्विकली मंदिर कहाँ का है, मार्केट, फिर आइकॉनिक होटल और भगवान की मूर्ति शिरडी,
नो, ठीक है, या आप आंशी रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको देखना पड़ता है पुराने बंदे का रिमूवल और नए बंदे का अपॉइंटमेंट बराबर था क्या, वो आपको देखना पड़ता है। रांची रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट है, रांची के बाजू में फिरोजाबाद फीस हम परसेंटेज बेसिस पे चार्ज कर नहीं सकते, बॉम्बे दूसरा बिजनेस और ऑक्यूपेशन हम लोग कर नहीं सकते, फिर उसके बाजू में आपका शिरडी साइन कौन कर सकता है, हमारा पार्टनर हु इज इन प्रैक्टिस, सीए इन प्रैक्टिस हु इज अ पार्टनर, यस नो क्विकली, ब्रांचेस फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, रांची के बाजू में फिरोजाबाद फॉर फीस परसेंटेज बेस पे चार्ज नहीं कर सकते, उसके बाद में बॉम्बे फॉर बिजनेस और ऑक्यूपेशन दूसरा कर नहीं सकते, उसके बाद में शिडीज फॉर साइनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट सर्टिफिकेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन। नाउ ये आपके 12 क्लॉज हो गए, पहले चार कौन थे, एक्टर एक्ट्रेस, फिर चार क्या थी, गाड़िया, फिर चार क्या थी, सिटीज, अब दो मूवीज है वहां पे, पहले मूवी आपको दिख रही, एक था टाइगर, दूसरी में दिख रही आशिकी टू, एक था टाइगर, हमारे एमोल्यूमेंट्स, हम अगर हम जॉब कर रहा है सी इन सर्विस के लिए, अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको जो सैलरी बोनस कमीशन मिलता है जो भी मिलता है वो किसी और के साथ शेयर कर नहीं सकता है प्रोफेशनली, मतलब प्रोफेशनली काम और पैसा तेरे को अपॉइंट किया है, तू करेगा काम, तेरा है ये पैसा, ना काम ना पैसा हम किसी के साथ में शेयर कर नहीं सकते, पैसा शेयर कब करते जब हम क्या शेयर करते, वर्क, बात समझ रहे सब, तो एमोल्यूमेंट शेयर नहीं कर सकते, एमोल्यूमेंट्स के बाजू में आशिकी टू एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, ना खुद को मिलने वाले एमोल्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, ना दूसरे को मिलने वाला कोई पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं, वी कैन नॉट एक्सेप्ट, तो जो प्रैक्टिस वालों के लिए है वही जॉब वालों के लिए भी है, प्रैक्टिस वालों के लिए कौन से क्लॉज थे, परेश रावल एंड आलिया भट्ट, यस नो, सर्विस वालों के लिए कौन से है, एक था टाइगर एंड आशिकी टू, समझ रहे साहब, सिर्फ क्लॉजेस पे, क्लॉजेस के नंबर याद रखना है, क्लॉज के अंदर नहीं जा रहे, अब ये लोग एक्टर एक्ट घूम फिर लिए, गाड़ियां घूम फिर लिए, मूवीज देख ली, खाना करेक्ट, तो पहले आपको दिख रहा है लो दैट इज फाफड़ा, तीखा लगा तो बाजू में रसगुल्ला, और फिर तीखा भी हो गया मीठा भी हो गया तो फिर टी, फाफड़ा एफसीए, एसीए खुद को एफसीए बोल नहीं सकता, सब लोग जवाब देंगे, ऐसे खुद को एफसीए बोल नहीं सकता, उसके बाद में रसगुल्ला, रिप्लाई नहीं करना रिस्पांस नहीं देना, रिप्लाई नहीं करना रिस्पांस नहीं देना, सीए इंस्टीट्यूट उसकी कमिटीज को लिस्ट देखेंगे हम लोग करेक्ट, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो इट विल बी मिस कंडक्ट, और उसके बाजू में फिर नेक्स्ट इज टी, ठीक है, टेंडर, टेंडर भरते वक्त, टेंडर भरते वक्त अगर आप कोई झूठी जानकारी देते हो, अगर आप झूठी जानकारी देते हो तो इट विल बी मिसकंडक्ट अंडर दिस पर्टिकुलर क्लॉज, एक तो इसमें क्या कवर्ड है, क्लॉज नंबर 6 के दो एक्सेप्शन है, पहला बेटा तेरे को अलाउ किया क्या भरने के लिए, टेंडर, तेरे को और अलाउ किया जा दूसरे सीएन प्रैक्टिस से काम मांग, कोई गॉडफादर बना ठीक है उसकी सेवा कर तो वहां से काम में अलाउ किया, 7 नंबर में क्लॉज नंबर 7 में राइटअप अलाउ किया, क्लॉज नंबर 6 में दो बातें अलाउ की, कौन सी, टेंडर एंड गोइंग टू अनादर सीए इन प्रैक्टिस, क्लॉज नंबर 7 में तो क्या अलाउ किया, राइट अप, क्या होता है देखेंगे, एक तो तेरे को अलाउ कर रहे हैं ऊपर से, अब तू झूठ बोलेगा, तो झूठ बोलेगा तो ये टी में तू फंस जाएगा, झूठ बोला, एक तो तेरे को अलाउ किया उसमें झूठ बोलना, इट विल बी अ मिसकंडक्ट, बात समझ रहे सब, फिर आखिर में हथकड़ी दिख रही है दैट इज इम्प्रिजनमेंट, पार्ट 4 में क्लॉज 1 दैट इज इम्प्रिजनमेंट, नॉट एक्सीडिंग, अरे जवाब देंगे, अदर मिसकंडक्ट में पहला क्या था, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, बाद में शेम ऑन यू लिखा है, ब्रिंगिंग दिस रिप्यूट टू द इंस्टीट्यूट, अगर कोई करता है तो क्विकली, ये हमारे 19 थे, ये हमारे 19 क्लॉजेस थे करेक्ट, अब अगर जैसे आपको एकदम अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इमेज को रिकलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा आपको बोलूं कि सीए इन सर्विस ने ठीक है कंपनी के एडवोकेट से कमीशन लिया, कौन सा इमेज था, आशिकी टू, मतलब फर्स्ट शेड्यूल विच पार्ट, सेकेंड पार्ट विच क्लॉज, सेकेंड क्लॉज,
अगर आप इमेज को सिर्फ रिकलेक्ट करेंगे तो अपने आप आपको पार्ट भी आएगा, कौन सा शेड्यूल है, कौन सा पार्ट है और उसके अंदर कौन सा क्लॉज है। पहले चार एक्टर एक्ट्रेस, फिर चार गाड़ियां, फिर चार ठीक है सिटीज, उसके बाद में दो मूवीज, तीन खाने पीने की चीजें और उसके बाद में एक हथकड़ी, देन शेम ऑन यू बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड द इंस्टीट्यूट। नाउ लिसन, मैं सेकंड शेड्यूल का भी शॉर्टकट एक बार बता दूं, फिर हम लोग अगर आप जाएंगे नीचे जा जाके पेज नंबर 7.17 पे जाइए। और सब में थोड़ा सा फ्लेवर अलग अलग है ताकि एक चीज दूसरे में ना जाए, ध्यान देंगे। तो शेड्यूल वन में फिल्म स्टार्स थे, फिल्म स्टार्स थे, शेड्यूल टू में क्रिकेटर्स है, चेंज बिकॉज अगर एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, बहुत आसान सा है। पहला आपको कौन दिख रहा है? अरे कौन दिख रहा है? क्रिस गेल। क्रिस गेल के बाजू में कौन दिख रहा है? रोहित शर्मा। फिर कौन दिख रहा है? फ्लिंट ऑफ फेयर एंड लवली इफेक्टिव। क्रिस गेल टू रोहित शर्मा, रोहित शर्मा टू फ्लिंट ऑफ। फिर उसके बाद ठीक है, धीरे धीरे देखो। नाउ लिसन, उसके बाद नीचे सचिन एंड देन एमएसडी। अब पांच क्लॉज हो गए, सुन लीजिए। क्रिस गेल, इट्स ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, क्रिस गेल इज फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। देन रोहित शर्मा, ठीक है, इट इज ऑन रिपोर्ट साइनिंग, रिव्यू करना जरूरी है, रिपोर्ट साइन करने से पहले रिव्यू करना जरूरी है, रिपोर्ट साइनिंग के ऊपर है। और फिर फ्लिंट ऑफ स्कोर, फोरकास्ट, फोरकास्ट पे अगर रिपोर्ट देना है तो उसके ऊपर आपका क्लॉज नंबर 3 है, फोरकास्ट के ऊपर रिपोर्ट के लिए, करेक्ट। फिर फोरकास्ट के बाद, फोरकास्ट के बाद में आपका सचिन, जहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है, आप क्लोजली एसोसिएटेड होते हो, वहां पे आप ओपिनियन दे नहीं सकते, यू कैन नॉट गिव ओपिनियन। सचिन के बाद में एमएसडी, मटेरियल ओमिशंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डॉक्यूमेंट्स में, फिर भी आप चुप बैठे हो, मटेरियल ओमिशंस में भी फिर भी आप चुप बैठे हो, इट विल बी मिसकंडक्ट अंडर एमएसडी। बात समझ रहे के साथ? क्विकली, क्रिस गेल इज फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, रोहित शर्मा इज फॉर रिपोर्ट साइनिंग, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट साइनिंग, प्रिंट ऑफ इज फॉर फोरकास्ट, फोरकास्ट फ्यूचर एस्टिमेट्स फोरकास्ट के ऊपर है। फिर फ्लिंट ऑफ के बाद सचिन इज फॉर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और उसके बाद में एमएसडी, एमएस धोनी इज फॉर मटेरियल ओमिशन। नाउ अब ध्यान देंगे, फिर चार स्पोर्ट, अलग अलग स्पोर्ट्स है, पांच स्पोर्ट्स है, और वो भी क्या है, हमेशा कंसिस्टेंसी, वो चार चार में चल रहा था, ये पांच पांच में चलेगा, इज अ कंसिस्टेंसी। अब पांच है, पहला यहां पे उन्होंने कौन से स्पोर्ट्स खेले, तो आपको दिख रहा है गाड़ियां, दैट इज मोटर कार, दैट इज मोटर कार रेसिंग, मोटर कार रेसिंग है। फिर बाजू में क्या दिख रहा है आपको? गोल्फ। फिर नीचे आपको दिख रहा है फुटबॉल दिख रहा है, दैट इज बॉल, लेकिन वर्ड यूज किया है सॉकर। फिर बाद में आपको दिख रहा है आर्चरी, और फिर आर्चरी के बाजू में आपको दिख रहा है बास्केटबॉल, ठीक है। लेट्स सी, बहुत आसान, पहले आपका मोटर कार रेसिंग है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट अगर है फिर भी चुप बैठे, इट विल बी अ मिसकंडक्ट। एमएसडी किसके लिए था? मटेरियल ओमिशन में चुप बैठे हो तो एमएसडी में जाओगे, और मटेरियल मिस स्टेटमेंट में अगर चुप बैठे हो तो मोटर कार रेसिंग। गोल्फ इज फॉर ग्रॉस निग्लिजेंस, अगर ग्रॉस निग्लिजेंस किया तो गोल्फ में जाओगे। सॉकर, सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा नहीं किया तो सॉकर में जाओगे। आर्चरी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए, और आर्चरी के बाजू में ठीक है बास्केटबॉल, आपने बैंक, सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसे अगर नहीं डाले तो वहां पे आप जाओगे। लेट्स फ्रीज, मोटर कार मटेरियल मिसस्टेटमेंट, गोल्फ ग्रॉस निग्लिजेंस, सॉकर सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, सॉकर के बाजू में आपका आर्चरी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए, बास्केटबॉल
बैंक अकाउंट में पैसे आपने नहीं डाले। नाउ लास्ट देन वी आर 34 हो गए फिर पूरे। फिर बाद में अगर हम बात करते हैं, नाउ इफ वी टॉक अबाउट, ठीक है, आपका पार्ट टू, तो हम लोगों ने टाइम पास कैसे किया, तो टाइम पास कैसे किया, तो चार चीजें, कॉमी नाइट्स विद कपिल, क्रिकेटर्स है टाइम पास करना है तो क्या देखा साहब, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, फिर उसके बाजू में कैंडी क्रश, कैंडी क्रश वो काफी खेल रहा है, फिर उसके बाजू में दिया हुआ है क्या, फेसबुक, और ये सब कुछ किस पे हो रहा है, मोबाइल। क्विकली पहला इमेज कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, उसके बाजू में कैंडी क्रश, उसके बाजू में फेसबुक, ये सब कुछ किस पे, मोबाइल पे। पूरा गेम इमेजेस का है, इफ यू कैन रिटेन इमेज विच इज कंपैरेटिवली मच मच इजियर टू रिटेन इमेजेस। कभी किसी का चेहरा रटना पड़ता क्या, लेफ्ट से दो बार राइट से दो बार ऐसे देखे, इंस्टेंटली इट हैपन्स दैट यू रिमेंबर इमेजेस। नाउ कॉमी नाइट्स विद कपिल, अगर आप कॉन्ट्रावेन करते हो सीए एक्ट के कोई भी सेक्शन, उससे छोटे उसके रूल्स, उससे छोटे सीए इंस्टीट्यूट के रेगुलेशंस या गाइडलाइंस, कुछ भी अगर आप तोड़ोगे, कुछ भी अगर आप तोड़ोगे, अगर कोई भी चीज आप ब्रेक करोगे, ठीक है, तो इट विल बी गिल्टी अंडर कॉमी नाइट्स, वहां पे इसको पनिश किया जाएगा, प्रोवाइडेड इट इज नॉट कवर्ड इन एनी अदर क्लॉज। अगर कोई स्पेसिफिक क्लॉज लगता है तो स्पेसिफिक में जाएगा, नहीं तो फिर इसमें जाएगा। एक बच्चा हर जगह लिख के आता था, कोई भी क्लॉज तोड़ा तो बोले सर कुछ तो टूटा ना, लगाओ ये क्लॉज, बोले ज्यादा लिखूंगा तो मार्क्स, ऐसे जबरदस्ती ज्यादा क्लॉज लिखोगे तो मार्क्स और कटते जाएंगे, जो रेलेवेंट है वही क्लॉज आपको लिखना पड़ता है। हाँ, अनलेस सिचुएशन डिमांड्स टू क्लॉजेस, ध्यान देंगे। फिर उसके बाद कॉमी नाइट्स विथ कपिल है, उसके बाजू में क्या था, कैंडी क्रश, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्रिस गेल वॉज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सीए इन प्रैक्टिस, दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सीए इन सर्विस, सीए इन सर्विस के लिए। इज दिस पॉइंट क्लियर, ये बात समझिए आपको, ओके। फिर हम लोगों ने इसके बाजू में आपका फेसबुक, फॉल्स इंफॉर्मेशन, कैसा फॉल्स इंफॉर्मेशन, सुनो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दो बार आया, इसके पहले टी में भी था और यहां पर भी है, दोनों में फर्क क्या है, वहां पे था झूठी बात आपने बोली किसको, टेंडर में दूसरे सी इन प्रैक्टिस को या फिर राइटअप, यस नो, यहां पे झूठ बोला आपने सीए इंस्टीट्यूट को, किसको झूठ बोला आपने, सीए इंस्टीट्यूट उसकी कमिटीज लिस्ट है, 8 लोग है, 8 लोग है उसमें, 8 नहीं लिखते बच्चे इसलिए मार्क्स नहीं मिलते, अभी हम पढ़ेंगे, 8 के 8 लिखने पड़ेंगे, 8 लोगों को झूठ बोला तो फंस जाएंगे उसमें। नाउ ओके अब उसके बाद में मोबाइल फोन, मनी एम्बेजलमेंट, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अगर पैसा चुराया प्रोफेशनल कोर्स में, अगर उसने पैसा चुराया किसी का भी पैसा चुराया, मनी एम्बेजलमेंट, तो इट विल बी अ मिसकंडक्ट, तो वो मिसकंडक्ट हो जाएगा साहब, आखिरी में ओवर, ओ इज अगेन फॉर अदर मिसकंडक्ट। हवा लगी के साहब, 5 कौन थे, 5 कौन थे, क्रिकेटर्स, 5 आपके क्रिकेटर्स थे, उसके बाद में 5 कौन थे, स्पोर्ट्स थे, 5 स्पोर्ट्स थे, उसके बाद में टाइम पास, पहला कौन, कॉमेडी नाइट्स, उसके बाजू में कैंडी क्रश, उसके बाजू में फेसबुक, उसके बाद मोबाइल, और उसके बाद ओवर। ये आपके टोटल 34 क्लॉजेस आपके, ठीक है, 19 क्लॉजेस थे किसके, फर्स्ट शेड्यूल के, और आपके 15 क्लॉज किसके, सेकेंड शेड्यूल के। अगर आप इमेज पे ध्यान देते हो तो आप कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जैक्टली कौन सा शेड्यूल, कौन सा पार्ट, कौन सा क्लॉज आप रिकलेक्ट कर पाएंगे। आप आइए, वॉल्यूम नंबर 2 में पेज 183 पे,
ओके क्या क्या सीए इन प्रैक्टिस अपने क्लाइंट्स के लिए रिक्रूटमेंट, अपने क्लाइंट्स के ऑफिस के लिए स्टाफ को इंटरव्यूज, अपने रिक्रूटमेंट कहां पे होना है? क्लाइंट के यहां पे, क्लाइंट के बिहाफ में इंटरव्यूज लेना, रिक्रूटमेंट्स करना, ट्रेनिंग करवाना, उनकी ट्रेनिंग करवा के उनका पे स्केल तय करना, उनके इंसेंटिव स्कीम तय करना, ये काम कर सकता है क्या? आंसर इज यस। आपका मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज है, कौन है साहब? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसमें रिक्रूटमेंट सर्विसेज देना इज अलाउड, बिल्कुल अलाउड है। फटाफट देखते जाएंगे और मार्क करते जाइए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रहा है और जॉब करते करते बोले कुछ साइड इनकम हो जाए, एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए, बिना सीओपी लिए, बिना लिए, ठीक है, बंदा बिना सीओपी लिए ये सर्टिफिकेट इश्यू कर लेता है, चलेगा क्या? चलने वाला नहीं है। अच्छा, मैंने पहला केस मैंने आपको कंक्लूजन बताया, रेफरेंस क्या लिखना पड़ेगा, सुनो ध्यान देंगे। ये सीएनओ 655 पहला क्वेश्चन देखा था ना, 655 ध्यान दीजिए, 655 में हम आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस, यस नो? यस नो? सबको जवाब देने भाई, वेरी गुड। मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, और ये लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दो से बड़े बड़े इंप्लीकेशन है। पहला, जो बंदा ये काम करेगा उसको डीमिंग फिक्शन लगा देंगे, तू बेटा प्रैक्टिस कर रहा है और तेरे ऊपर प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस लग जाएंगे। और दूसरा इसका इंप्लीकेशन है कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीपल हु आर डूइंग प्रैक्टिस, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग ये सारे काम कर सकते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 है जो मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस के लिए है, वो बताना है, उसका इंप्लीकेशन बताना है। फिर आपको बताना है कि उसमें आखिरी में ऐसा लिखा है, सीए इंस्टीट्यूट समय समय पे इस लिस्ट को और बढ़ा सकता है, और उसी का पावर यूज करके उन्होंने 2006-07 में उन्होंने एक लिस्ट, नई लिस्ट इशू की, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, और वो लिस्ट में रिक्रूटमेंट सर्विसेज आता है, वो अलाउ किया है, इसलिए बंदा रिक्रूटमेंट सर्विसेज दे सकता है। ध्यान देंगे, 655.10 पे आइए। नाउ 655.10, सर ये क्या बात हुई? लिसन, सेक्शन 6 सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो आपको उसके अंदर बताना है, बिना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस वाला काम नहीं कर सकता, सीए रिलेटेड कोई भी सर्विसेज नहीं दे सकता, ऐसा साफ साफ लिखा है, बंदे ने उसको तोड़ा है तो सेक्शन 6 तो लगेगा ही, साथ में सेक्शन तोड़ा तो क्या लग जाएगा, ठीक है, सेक्शन तोड़ा तो अभी हम लोग पढ़ के आए कॉम्बिनेट्स विद सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 1, सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 1 भी लगेगा। इनफैक्ट उन्होंने आंसर में, मैंने ऑथर्स नोट डाला है वहां पे, उन्होंने आंसर में सिर्फ क्लॉज का रेफरेंस दिया है, अरे लेकिन सोर्स भी तो बताते हैं, सेक्शन 6 वो देना चाहिए था, तो सेक्शन 6 लिखिए और फिर बताइए सेक्शन 6 तोड़ा, और जब भी सेक्शन टूटेगा, कोई भी सेक्शन टूटेगा, साथ में आपको रेफरेंस देना पड़ेगा ऑलवेज सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 1 का। आगे बढ़िए, 655.30, ये बहुत फेमस केस, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई और हमने बोर्ड ऑफ स्टडीज से काफी वार्तालाप की और फिर उन्हें आंसर चेंज किया।
मे 18 एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था कि ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसका सीओपी सस्पेंड कर दिया है और अब वो सस्पेंशन पीरियड में जीएसटी कंसल्टेंसी का काम कर सकता है क्या? ठीक है, ऐसा ही केस बरसों से चल रहा है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लॉयर भी है और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी है, उसका सीओपी सस्पेंड हो गया, क्या वो सी लॉयर के कैपेसिटी में इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर सकता है? ये बिल्कुल सेम केस है, बरसों पुराना केस था कि अगर सीओपी सस्पेंड हो गया तो इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर सकता है क्या, और अभी पूछा गया अगर सीओपी कैंसल सस्पेंड हो गया है, टेम्परेरी सस्पेंशन है, तो जीएसटी प्रैक्टिस कर सकता है क्या? इंस्टीट्यूट ने जब अपना मई 18 एग्जाम का सजेस्टेड आंसर लाया तो उसमें उन्होंने आंसर दिया था हाँ कर सकता है, फिर उनको बहुत मेल किए गए, ठीक है, अब जानते दो ही लोग संभालते ऑडिट डिपार्टमेंट, दो ही लोग संभालते ऑडिट डिपार्टमेंट कि भाई ये बरसों से जो केस लॉ चल रहा है आपने तो बदल ही दिया, उसका बेसिस क्या है? तो फिर उन्होंने सजेस्टेड आंसर को चेंज किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सजेस्टेड आंसर को चेंज किया, उसका कॉरिजेंडम इशू नहीं किया, तो एग्जाम हो गई, सजेस्टेड आंसर आ गए, फिर उसको रेक्टिफाई किया गया, इट इज रेक्टिफाइड, तो अभी भी एक आध कुछ बुक्स में पुराना आंसर है, इट हैज बीन रेक्टिफाइड, और रेक्टिफाइड इसलिए मैंने कट भी किया जो इंस्टीट्यूट ने कट करवाया, पूरी कहानी नीचे दी है, हर क्वेश्चन की अगर कोई कहानी है, कोई कॉन्ट्रोवर्सी है, तो क्वेश्चन के नीचे वो बात को लिखा गया है, बताया, ओके। तो हमने सेक्शन 2 की बातें की, फिर सेक्शन 6 की बातें की, तो कंक्लूजन क्या था कि बंदा प्रैक्टिस कर नहीं सकता, कॉन्सेप्ट तो बताया नहीं, कॉन्सेप्ट यह है वंस पर चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन डू एनी सीए रिलेटेड वर्क ओनली इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आपको सीए से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो सीओपी लेकर ही करो, लॉयर बन के वो काम नहीं कर पाएंगे, आप दूसरी कैपेसिटी को यूज करके, एक बार आपने सीओपी ले लिया, एक बार आप मेंबर बन गए, क्या बन गए साहब, मेंबर, और आपको सीए वाला आप कोई भी काम करना है तो आपको सीओपी सीए का सीओपी लेकर ही करना पड़ेगा, आप दूसरी कैपेसिटीज को यूज नहीं कर पाएंगे, मैं लॉयर बन के टैक्स का काम कर लूं ऐसा नहीं होगा, ओनली वन कैपेसिटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बात समझ रहे, यस नो? नाउ लिसन, सेक्शन 22 अदर मिसकंडक्ट, ध्यान देंगे सर, नाउ सेक्शन 21 और सेक्शन 22 है सी एक्ट के, क्या बोलते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं, जितने मिसकंडक्ट शेड्यूल में दिए हैं इसके अलावा सी चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई भी एक्ट एग्जामिन करने का पावर, कोई भी एक्ट एग्जामिन करने का पावर सीए इंस्टीट्यूट के पास है, और अगर उनको वो एक्ट गलत लगता है, बुरा लगता है, जो प्रोफेशन की छवि खराब कर रहा है, तो वो उसको अदर मिसकंडक्ट बोल देंगे। सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22 सेज शेड्यूल के अलावा किसी भी काम को हम स्टडी करेंगे, एग्जामिन करेंगे, और हमको लगता है इससे इंस्टीट्यूट का नाम खराब होता है, तो उसको हम डाल देंगे कौन से हेडिंग में, अदर मिसकंडक्ट के हेडिंग में। तो ऐसे पास्ट केसेस को जमा करके, पास्ट में जिन चीजों मिसकंडक्ट बोला गया ऐसे उनको जमा करके एक हेडिंग दे दी गई है अदर मिसकंडक्ट। अदर मिसकंडक्ट का रेफरेंस आया सेक्शन 21, सेक्शन 22 और आपका, ठीक है, शेम ऑन यू वाला सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 क्लॉज 2, ये तीन चीजें आनी चाहिए ऑन सेफर साइड, सेक्शन 21, सेक्शन 22 और फिर बाद में सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 क्लॉज 2, इन सब का रेफरेंस दो और बोल दो कि
इसके हिसाब से साहब क्या है अदर मिसकंडक्ट, और एक एक पे क्या था। या फिर आपको लिस्ट आएगी, देखिए मैंने बोला मेरा भी जो टीचिंग टेक्निक है इस 50% अंडरस्टैंडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 50% इज रिटेंशन, क्योंकि याद रखना बहुत जरूरी है। हमारे पास वॉल्यूम इतना है कि उसको अगर ध्यान में रखना है, याद कैसे रखना, बार बार सोचना पड़ता है। तो वहां पे और एक शॉर्टकट दिया है ABCDEFG। और मेमोरी का ट्रिक है कि जो चीजें आपको अच्छे से याद है उससे जोड़ दो। ABCDEFG कोई भूल नहीं सकता, कितनी भी कोशिश करे, याददाश्त भी चली जाएंगी तो भी ABCDEFG याद रहेगा, करेक्ट, पीपल विल रिमेंबर दैट। तो उसको ध्यान में रख के शॉर्टकट है वहां पे, ए फॉर एंगर, अगर CAN कहां चलेगा भाई, कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर था, 187। अब ये नए सेटअप में शॉर्टकट, चलो इस बहाने बुरे थोड़ा रहम तो हमारे ऊपर ध्यान। लिसन, ए फॉर आपका एंगर, ठीक है, अगर CA चार्ट अकाउंट ने गुस्से में आकर अब्यूजिव लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज अगर यूज करता है पब्लिक में, किसी को अब्यूज करता है, तो उसको पास्ट में बोला गया अदर मिसकंडक्ट। देन अगेन फॉर गुस्से में आकर अगर किसी के बारे में न्यूज़पेपर में गलत न्यूज छापता है, उसकी इमेज को मैलिगिन करता है, खराब करता है, उसको भी अदर मिसकंडक्ट बोला। ए फॉर आर्टिकल, अगर आर्टिकल से नॉन प्रोफेशनल काम करवाता है, अगर नॉन प्रोफेशनल काम करवाता है, जैसे एक है कि ठीक है पर्सनल काम करवाता है, इलेक्शन कैंपेनिंग का काम करवाता है, ये केस है, ठीक है। अब जो मैंने, आप प्रैक्टिकल लाइफ को बाजू में रखो, एकेडमिक देखो पहले, नहीं तो गलत, अगर ऐसा करता है तो उसको अदर मिसकंडक्ट बोला गया है। ए फॉर एंगर एक पॉइंट था, गलत लैंग्वेज, ए फॉर फिर न्यूज़पेपर में गलत जानकारी देना, और ए फॉर क्या था साहब, आर्टिकल, ध्यान देंगे। बी फॉर बैंक ऑडिट, बैंक ऑडिट में अगर बोगस बिल जमा करके पैसे क्लेम करता है, बोगस बिल जमा कर, ये सब केसेस डिसाइडेड है, दैट इज अदर मिसकंडक्ट, ध्यान देंगे। देन सीज फॉर कोर्ट, कन्विक्टेड बाय कोर्ट है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट है फॉर मॉरल टर्पिट्यूड, फॉर मॉरल टर्पिट्यूड, वो भी साहब किस में जाएगा, साहब अदर मिसकंडक्ट, मॉरल टर्पिट्यूड वर्ड लिख सकते हो, उसमें क्लॉज नंबर भी लग जाता है, अगर 6 महीने से कम है तो फर्स्ट शेड्यूल, 6 महीने कम है तो फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 4 क्लॉज 1, हथकड़ी थी ना, यस नो, और 6 महीने से ज्यादा है तो सेकेंड शेड्यूल। नाउ लिसन, कोर्ट, कोर्ट के बाद में क्लाइंट, बंदा क्लाइंट नंबर है और अपनी पोजीशन को मिसयूज करके, क्लाइंट वाज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्लाइंट वाज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अपने रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों को जबरदस्ती लोन दिलवाया, अगर जबरदस्ती लोन दिलवाता है तो इट विल बी अ, ठीक है, अदर मिसकंडक्ट, पहले जाते से लोगों को लोन दिलवा दिया, गलत बात, फिर उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद के पास रख लिए, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आप लीन एक्सरसाइज करते हो, इट विल बी अदर मिसकंडक्ट, एथिकल स्टैंड बोर्ड ने बोला है इट इज नॉट अ प्रोफेशनलिज्म कि आप क्लाइंट के बुक्स आपके पास रख लो क्योंकि आपको फीस मिली नहीं है, तो फीस नहीं मिली है कोर्ट में जाओ, बुक्स खुद के पास मत रखो, उसका बिजनेस ठप हो जाता है, बंद पड़ जाता है, दैट इज नॉट अलाउड, अगर ऐसा करोगे तो इट विल बी अदर मिसकंडक्ट, फीस मिली हो ना मिली हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी अदर मिसकंडक्ट, जाते से पहले गलत लोन दिलवाए, फिर आखिरी में बुक्स खुद के पास रख लिए, या फिर कोअर्शन, ठीक है, पट्टा लेके चले गए फीस दे बोले, अगर ऐसा कुछ कोअर्शन किया, जबरदस्ती फीस निकलवा रहे, इट विल बी अदर
मिसकंडक्ट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस नो. ए फॉर क्या था? एंगर. फिर ए फॉर आर्टिकल. बी फॉर बैंक ऑडिट बोगस बिल. सी फॉर कोर्ट. फिर तीन पॉइंट किस पे थे? क्लाइंट. देखेंगे डी फॉर डिसीव, बेवकूफ बनाना. देखो दो चीजें कंपनी में, एरो करके लिखा है, दो चीजें कंपनी बेवकूफ बनाई, दो चीजें ऑफिस में, फिर एक घर. कंपनी में गए, कंपनी में जाकर मिनट बुक्स मैनिपुलेट कर देना. मिनट बुक में लोगों ने डिसाइड कुछ किया, इसने वहां जाके मैनिपुलेशन कर डाले. अगर वहां जाके मैनिपुलेशन कर डाले, इट इज अदर मिसकंडक्ट. मिनट्स ही मैनिपुलेट कर दिया, डायरेक्टर के डिसीजन ही बदल दिए. फिर कंपनी को फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए कि ये बोले आरओसी से आया है. फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करना, अथॉरिटीज ने भेजा है, अदर मिसकंडक्ट. कंपनी में आके दो गलत काम. फिर खुद के ऑफिस में नया धंधा शुरू किया, ₹1,000, ₹1,000 एक्सपीरियंस, एक साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ₹2,000, दो साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. बहुत ही नीचे गिर गए बोले. ठीक है, इशूइंग फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या फिर चार्ट अकाउंट हो, झूठी बातें बोलना, मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन, करेक्ट, झूठी इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फोरम पे गलत जानकारी देना, गलत इंफॉर्मेशन देना, झूठी इंफॉर्मेशन देना, जब पता था सब गलत है, किसी का बिजनेस पूरा ठप है फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है बताना, या फिर मैं कितना काम करता हूं वो बताना, मिस रिप्रेजेंटेशन, वो भी अदर मिसकंडक्ट माना जाएगा. क्विकली, कंपनी ने क्या गलत किया, उनके कंपनी में जाके क्या गलत किया, उनके मिनट्स बदल दिए, क्या सबमिट किए, फेक डॉक्यूमेंट्स. फिर खुद के ऑफिस में फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और क्या गलत किया, मटेरियल मिस रिप्रेजेंटेशन. घर पे फॉर्जरी, विल फॉर्ज कर दी. दादाजी चल बसे, देखा अपना नाम बहुत कम जगह है, चेंज. ठीक है, वो चेंज कर दिया, फॉर्जरी, ये सब किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने. अगर ऐसा हुआ है देन इट इज अदर मिसकंडक्ट. ए बी सी डी ई. एम्प्लॉयर, जॉब लेना था तो फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा किया, बहुत एक्सपीरियंस है बोले मेरे को, बहुत एक्सपीरियंस है, 10 साल सीए बन के हुए 4 साल. ठीक है, और निग्लिजेंटली काम करना, ग्रॉस निग्लिजेंस. एफ इज फॉर फ्रॉड. इंस्टीट्यूट के आरसीएम मेंबर, सीसीएम मेंबर, रीजनल काउंसिल मेंबर, सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स ने इंस्टीट्यूट के पैसे चुरा लिए, ये पूछा हुआ एग्जाम, दैट इज अदर मिसकंडक्ट. या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एनबीएफसी खोली, क्या खोली साहब, एनबीएफसी, और एनबीएफसी ने जो चेक इशू किए वो बाउंस हो गए फॉर लैक ऑफ फंड्स, इनसफिशियंट फंड्स. बोले बहुत ही नाम खराब किया तूने, चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंपनी के चेक बाउंस हो रहे, तो वहां पर उन्होंने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का भी रेफरेंस दिया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसका भी रेफरेंस दिया है कि चेक बाउंस होना वहां पर भी ऑफेंस है, वहां पर भी तू फंसता है और यहां पर भी फंसता है अदर मिसकंडक्ट. आखिरी गवर्नमेंट के लोग तेरे को बुला रहे, बेटा इंफॉर्मेशन दे, आजा बेटा, जा ही नहीं रहे, अदर मिसकंडक्ट. ठीक है, अच्छा वो आए तुम्हारे पास, लैंडलॉर्ड पे छापा पड़ा, किस पे छापा पड़ा, लैंडलॉर्ड, पता चला कि ऊपर सीए रहता है बोले रेंट पे, अरे 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 चलो, तो वहां गए तो दो फाइल दिखी गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंशियल, तेरे पास कैसे, पढ़ने के लिए लाया था बोले, करेक्ट. अच्छा गवर्नमेंट बुलाए तो जा नहीं रहे, और गवर्नमेंट आ रहे तो क्या मिल रहा है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स. ये तो केस हुआ इंडिया में भी, 2 साल पहले हुआ, मिनिस्ट्री से डॉक्यूमेंट्स निकालना और उसको कॉर्पोरेट्स में बेचना, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, तो इट विल बी अदर मिसकंडक्ट. आखिरी में गवर्नमेंट को लूटना शुरू कर दिया, चलो करते ठीक है, ओरली बोलते ठीक है, किताब ही लिख दी, सीक्रेट्स ऑफ ब्लैक मनी, कैसे ब्लैक मनी जनरेट करना बोले, हद ही हो गई है. तो गवर्नमेंट को लूटना शुरू, 2 रिटर्न फाइल कर दिया, पॉसिबल नहीं, पुराना केस है, बोले क्या करना, एग्जेम्पशन ज्यादा लेना है, इनकम पूरी डिस्क्लोज की लेकिन रिटर्न कितने, 2, लिमिट कितने बार क्लेम की, 2, अब पॉसिबल नहीं, मैनुअल में पॉसिबल था, या फिर रिफंड के चलान फैब्रिकेट करके, जो रिफंड आया था ऑर्डर क्लाइंट के नाम पे, खुद के नाम पे निकाल के विड्रॉ कर लिया. मैं जानता हूं लंबा चौड़ा था, लेकिन इसलिए फिर शॉर्टकट है. अदर मिसकंडक्ट के केसेस पूछते हैं कभी कभी, या फिर इस पे केस आता है. ए इज फॉर एंगर, और इज फॉर अगेन एंगर आर्टिकल. बी इज फॉर बैंक. सी इज फॉर पहले कोर्ट है, उसके बाद क्लाइंट है. डी इज फॉर डिसीविंग, 2 डिसीव किया कंपनी में, 2 डिसीव किया
ऑफिस में थोड़ी सी क्या, एक क्या घर पे, ए बी सी डी. ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉयर, पहले ज्वाइन करते हो गलत फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके बाद ग्रॉस निग्लिजेंस, समझो मतलब जॉब में ग्रॉस निग्लिजेंस करोगे तो कौन सा क्लॉज लगता है, अदर मिसकंडक्ट, और अगर प्रैक्टिस में करोगे तो गोल्फ, क्या लगेगा साहब गोल्फ, यस नो, सेकेंड शेड्यूल यस नो, सेकेंड शेड्यूल पार्ट वन, पहले कहते थे पांच, छठे नंबर पे कौन है मोटरकार रेसिंग, सात नंबर पे कौन है ग्रॉस निग्लिजेंस गोल्फ यस नो. फिर एफ इज फॉर फ्रॉड, इंस्टीट्यूट के पैसे चुराना, चेक बाउंस होना, एनजी इज फॉर गवर्नमेंट, वो बुला रहे तो जाना नहीं, वो आ रहे तो मिल रही कॉन्फिडेंशियल जानकारी, और आखिरी में तो किसको लूटना शुरू कर दिए गवर्नमेंट को, वो लिस्ट है, वो लिस्ट याद रखने के लिए शॉर्टकट. आइए 658, अदर मिसकंडक्ट याद रखना है सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22, इसमें पावर मिलते हैं बाकी एक्ट्स को एग्जामिन करने का और पनिश करने का पावर मिलता है 21 एंड 22. आप सब जानते हैं सेक्शन 27, सेक्शन 27 हर ब्रांच के क्या होना चाहिए, सेपरेट इंचार्ज, और ये बहुत पुरानी कॉन्ट्रोवर्सी है, जनरली बच्चों को पता होती है. आप सबको पता है क्या ब्रांच इंचार्ज से एग्जेम्पशन मिल सकता है, यस, सेकंड ऑफिस को, किसको, सेकंड ऑफिस, सिर्फ सेकंड ऑफिस, थर्ड फोर्थ ऑफिस नहीं, सेकंड ऑफिस का एग्जेम्पशन मिल सकता है, शर्त यह है दूसरा ऑफिस पहले ऑफिस के म्युनिसिपल लिमिट से 50 किलोमीटर के अंदर हो, ऑफिस से 50 किलोमीटर नहीं, उसके म्युनिसिपल लिमिट से 50 किलोमीटर के अंदर. अब कई बार उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा और उसमें लिखा है 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज एग्जिस्टिंग ऑफिस, तो हम लिखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑफिस इज इररिलेवेंट, इट इज नॉट यूजफुल, वी वॉन्ट डिस्टेंस फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स बट इट इज नॉट प्रोवाइडेड, सो वी अज्यूम दैट डिस्टेंस इज फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स. ऐसा इंस्टीट्यूट ने अज्यूम कर लिया कि वो जो डिस्टेंस ऑफिस से तो था ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है ऑफिस से डिस्टेंस, तो अज्यूम कर लिया कि वो डिस्टेंस कहां से, म्युनिसिपल लिमिट से, तो 50 किलोमीटर के ऊपर हो गया, यस नो, 50 किलोमीटर के ऊपर हो गया तो फिर सामने वाले को सेकंड ऑफिस का एग्जेम्पशन मिलने वाला नहीं है, मतलब वहां पे सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए. तो यहां पे आपको सिर्फ ये समझना है, ऐसी गलती वापस इंस्टीट्यूट करे तो आपको अजम्पशन लिखना पड़ेगा, छाप के दिया और मार्क करते जाओ. यस, ओनली सेकेंड ऑफिस, ओनली सेकेंड ऑफिस, थर्ड ऑफिस फोर्थ ऑफिस को मिलने वाला नहीं है, ध्यान देंगे. बहुत सिंपल सिंपल से केसेस है, बहुत आसान से है, मैं इसलिए उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, और आते भी है, सिर्फ मैं जो मेरे तरफ से जो शॉर्टकट्स कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूं या फिर कुछ कॉन्ट्रोवर्सी बता सकूं तो मैं बताता चले जाऊंगा. क्या एडवोकेट के साथ में पार्टनरशिप कर सकते हैं, यस नो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और क्या उनके साथ में फीस शेयरिंग कर सकते हैं, यस नो, यस. अभी इन्होंने ऐसा बोला है कि अग्रीमेंट बनाए सीए और एडवोकेट में, सीए की फीस में से कमीशन देंगे एडवोकेट को, एडवोकेट के फीस में से कमीशन लेगा कौन, सीए, दोनों चीजें होने वाली है, बोथ द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, इज इट अलाउड, यस, सिर्फ बी केयरफुल, दोनों क्लॉज रेफर करने पड़ेंगे. क्लॉज टू में पेइंग शेयर ऑफ द फीस, परेश रावल भी करना पड़ेगा और आलिया भट्ट एक्सेप्टिंग शेयर ऑफ द फीस, बच्चे एक ही क्लॉज रेफर करते हैं, तो पेइंग शेयर ऑफ द फीस भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा एंड एक्सेप्टिंग शेयर ऑफ द फीस भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दोनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, वो खास बात थी. वेरी गुड, अभी ध्यान देंगे. ये अगले इस पर 665, अब एक सवाल पूछा गया है, परेश रावल इज पेइंग शेयर ऑफ द फीस, आलिया भट्ट इज एक्सेप्टिंग शेयर ऑफ द फीस, प्रभु देवा इज पार्टनरशिप. अब ध्यान से सुन लो, सुन लो केयरफुली,
हम सब जानते हैं क्लॉज टू में ऐसा लिखा है, इंस्टीट्यूट लिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है कौन से प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर्स के साथ वी कैन शेयर, वी कैन पे द शेयर ऑफ द, और किससे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट बोलता है, सी एक्ट में ऐसा लिखा है, सीए इंस्टीट्यूट कैन प्रिस्क्राइब द लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज एंड लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस एंड लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन जिनको हम पे कर सकते हैं क्या साहब, शेयर ऑफ द फीस, और जिनसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब सुनिए, इसके लिए इंस्टीट्यूट ने बनाया रेगुलेशन 53A। क्या बनाया साहब, रेगुलेशन 53A, और पार्टनरशिप किसके साथ कर सकते हैं उसके लिए बनाया रेगुलेशन 53B। शेयरिंग जिसके साथ कर सकते हैं, विच रेगुलेशन, 53A, और पार्टनरशिप के लिए 53B। दो अलग अलग रेगुलेशन बनाने का इंटेंशन ही ये था कि रेगुलेशन ए फी शेयरिंग के लिए लगे, एक्सेप्ट बाटन पे करना और एक्सेप्ट करना, और 53B पार्टनरशिप के लिए बने। इसमें मैंने पूरा बैकग्राउंड मटेरियल पढ़ा, इंस्टीट्यूट 2006-07 में प्रेसिडेंट्स के मैसेजेस क्या थे, और उसमें साफ साफ नजर आता है कि उन्होंने ये दो रेगुलेशन क्यों बनाए, उसका इंटेंशन क्या था। सब कुछ सही था, इंस्टीट्यूट के हाथ से एक ड्राफ्टिंग एरर हो गया, और ना मॉड्यूल उस एरर के हिसाब से चलता है, ना कोई चलता है, कोई भी पॉपुलर ऑथर उसके हिसाब से नहीं चलता है। लेकिन अगर बच्चे ने खुद पढ़ा है कभी तो उसको कन्फ्यूजन हो सकता है। रेगुलेशन 53B के नीचे गलती से, ठीक है, रेगुलेशन 53B नहीं, रेगुलेशन 53A के नीचे, 53A के नीचे सिर्फ लिखा होना चाहिए था क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3, क्लॉज 2, क्लॉज 3 एंड क्लॉज 5, सिक्योरिंग वर्क, सिक्योरिंग वर्क। बोले अगर शेयरिंग अलाउ कर दिया है तो काम का रेफरेंस तो अलाउड ही है, काम का रेफरेंस तो अलाउड ही है। इंस्टीट्यूट के हाथ से गलती हो गई लॉ ड्राफ्ट करते वक्त, 53A के नीचे गलती से उन्हें क्लॉज 4 भी लिखा है पार्टनरशिप का। वो गलती है, उसको इग्नोर करो, उसको ध्यान मत दो, वो ड्राफ्टिंग एरर है, सामने के सामने गलत लिखा है। समझ रहे क्या साहब, आर यू गेटिंग मैं क्या बता रहा हूं साहब। लिस्ट प्रिस्क्राइब करने के लिए कितने रेगुलेशन है, दो, कौन से, सब जवाब देंगे, 53A एंड 53B। 53A इज फॉर शेयरिंग, 53 इज फॉर पार्टनरशिप, लेकिन गलती से 53A के नीचे क्लॉज 4 लिख दिया है, वो एक एरर है, उसको इग्नोर करे। इतना समझे, 53A एरो शेयरिंग, 53B पार्टनरशिप, खत्म। ये मामले डिस्कस कर लिया हमने पहले। 665, एडवोकेट के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या, सब लोग साथ साथ में चल रहे हैं क्या भाई। ओके, 64 कर लिया मैंने। ओके, 664 ले लीजिए, ध्यान देंगे, लिसन। तो हम लोग पब्लिक डिमांड बिल्कुल भी नहीं लेंगे, गलती से ले लिया मैंने, ठीक है, ध्यान देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि जितने हैं उतने हो जाए, ठीक है। नाउ, क्या सीए इन प्रैक्टिस फॉरेन प्रोफेशनल्स के साथ में पार्टनरशिप कर सकता है, दो सवाल है, इंडिया में और इंडिया के बाहर। सुन लीजिए, क्लॉज 4 साफ साफ शब्दों में लिखता है कि बंदा रिस्ट्रिक्शंस है, ये रिस्ट्रिक्शंस उसको लगेंगे इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। क्लॉज 4 अगर कोई पढ़ता है तो साफ साफ ये रिस्ट्रिक्शन इंडिया में भी लगेंगे और इंडिया के बाहर भी लगेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, मतलब इंडिया में भी आप सीपीए सीएफए इनसे पार्टनरशिप आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनका नाम लिस्ट में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है,
और इंडिया के बाहर जाकर भी आप इनके साथ में पार्टनरशिप नहीं कर सकते। अब एक और तर्क दिया जाता है कि इंडिया के बाहर सीए एक्ट नहीं लगता। ऐसा तर्क दिया जाता है कि इंडिया के बाहर सीए एक्ट नहीं लगता, सीए एक्ट का ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ इंडिया है। लेकिन ये जो सोच है करेक्ट, इसको इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल ने माना नहीं है। प्रैक्टिस मैनुअल ने माना नहीं है और उसने इसलिए नहीं माना क्योंकि जब क्लॉज में साफ साफ शब्दों में लिखा है इट इज एप्लीकेबल फॉर पार्टनरशिप इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो फिर मैंने भी इसी को एक्सेप्ट कर लिया। ना इंडिया में आप किसी के, आप फॉरेन प्रोफेशनल्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो ना इंडिया के बाहर। हाँ आप सुन लो, एक बात बोली उन्होंने, पुराने जमाने में एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था डायरेक्ट मेंबरशिप का। किसका साहब? डायरेक्ट मेंबरशिप, कि अगर आपने फॉरेन इंस्टीट्यूट का मेंबर आप बने, अगर इंडिया का बाहर का व्यक्ति, जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जो समझ में नहीं आता, पर्सन विदाउट इंडिया, बहुत ही पुरानी इंग्लिश है, पर्सन विदाउट इंडिया मतलब नॉन रेसिडेंट, बहुत ही अजीब से लोग है, मतलब तो रिसर्च करनी पड़ी मेरे को विदाउट इंडिया होता क्या है, तो पुरानी इंग्लिश में उसका जवाब मिला कि विदाउट इंडिया मतलब होता नॉन रेसिडेंट। पुराने जमाने में ऐसा था कि अगर इंडिया के बाहर के लोग नॉन रेसिडेंट फॉरेन इंस्टीट्यूट के मेंबर बनते हैं, एक लिस्ट थी, आपको ऑटोमेटिकली मेंबरशिप मिल जाएंगी इंडिया की भी। क्या बात है, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे? तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो डिसकंटिन्यू हो गया। तो पहले फॉरेन प्रोफेशनल्स के पास ऑप्शन था, पहले वहां की मेंबरशिप लो, ऑटोमेटिकली इंडिया की मेंबरशिप मिल जाएगी। पर एक बार इंडिया की मेंबरशिप मिल गई तो मेंबर के साथ में तो पार्टनरशिप कर सकते, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो था डायरेक्ट मेंबरशिप का वो भी खत्म हो चुका है। वो आंसर में एक्सप्लेन किया है, इसलिए जबरदस्ती आंसर बड़ा हो गया है। तो ना इंडिया में हम पार्टनरशिप कर सकते ना इंडिया के बाहर, और डायरेक्ट मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट था वो भी डिसकंटिन्यू हो चुका है। ये 665 कर दिया था मार्क, ध्यान देंगे 668.1 प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट किताब लिखती है, कुकरी बुक डिलाइट योर टमी, ऐसी किताब लिख सकती है क्या? She wrote a cookery book, Delight Your Tummy During the Year, but she didn't take any permission from the council. लिख सकती है क्या? Yes, no? अब सुन लो, लोग इसमें confusion क्या करते वो मैं clarify कर दूं। Books और articles लिखना is absolutely fine, वो general permission में आता है। इस books के बारे में clarification है, किसमें आता है? जनरल परमिशन, मतलब उसके लिए आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन और एक कॉन्सेप्ट आता है एडिटरशिप का। अगर प्रोफेशनल मैगजीन की एडिटरशिप करनी है तो उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। टैक्स, ऑडिट, अकाउंट्स, कॉरपोरेट लॉ, इसकी एडिटरशिप नो परमिशन रिक्वायर्ड। लेकिन अगर नॉन प्रोफेशनल मैगजीन्स जर्नल की एडिटरशिप करनी है तो स्पेसिफिक परमिशन रिक्वायर्ड। तो अगर यहां पे बुक के जगह मैगजीन, कुकरी की कोई मैगजीन है उसके एडिटर बने ऐसा होता तो आंसर बदल जाता। समझ रहे क्या साहब? अरे आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जीवित व्यक्तियों जैसा व्यवहार करे बराबर नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही मैं हूं बस, ध्यान नहीं, तुम ही तुम हो, तुमको ऐसे भी नहीं मालूम। सर हम ने क्या हायर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में चल रहे हैं अभी, हमारे लिए सब मोह माया है, सब आए, ध्यान नहीं।
ध्यान ना वो भाई समझा है, बुक्स के बीच में और किसके बीच में फर्क था? एडिटरशिप, सो बी केयरफुल विद दैट। बुक्स, कोई भी बुक्स लिख सकते हैं, क्या मन करता है आपका? प्रोफेशनल एडिटरशिप बिना किसी अप्रूवल के, बाकी इसमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो बी के वहां पे लिख देना, बी केयरफुल बुक वर्सेस एडिटरशिप। प्रोफेशनल हुआ ना यार, क्या प्रॉब्लम है, कौन पढ़ता है वैसे भी वो? पढ़ते पढ़ते भाई ड्यू रिस्पेक्ट डिसरेप्यूट हो जाएगा अभी यहाँ। ठीक है, ध्यान देंगे। एक मिनट, एक एक करके। पहले जीएसटी में कौन सा, उसमें साफ साफ इतना है कि अगर आपका सीओपी टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंड हुआ है तो आप अदर कैपेसिटी में ना इनकम टैक्स का काम कर सकते हो, ना अदर कैपेसिटी में आप जीएसटी का काम कर सकते हो। खुद का करो, दूसरों का नहीं। हाँ सही बता रहा हूं, ना आप कोई इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं अरे भाई तुम लोग को जो करना है करो, अभी सीए मेंबरशिप मिलने की है, तो जिसको सीए मेंबरशिप मिल गई उसके लिए ये प्रॉब्लम्स है। अगर उसका सीओपी क्या हो गया, सस्पेंड, तो वो प्रैक्टिस वाला काम नहीं कर सकता, ना इनकम टैक्स की प्रैक्टिस वाला काम कर सकता है, ना जीएसटी वाला काम कर सकता है। सस्पेंशन मतलब प्रैक्टिस से बाहर रहना, चुपचाप बाहर रहो, तुम ये काम नहीं कर सकते। इज इस क्लियर? एक एक करके। इधर और किसी ने कुछ बोला था, आपने बोला था? हाँ लिसन, बुक लिखना, आर्टिकल लिखना, जो मर्जी आए वो किसी भी टॉपिक पे बुक लिखो, दैट्स फाइन। बुक्स बराबर। अब जो मैगजीन्स आते हैं, रेगुलर पीरियडिकल्स आते हैं, मैगजीन्स, उसका एडिटर बनना, ये दो अलग बातें हैं, समझ रहे आप? किसी भी इसका लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल परमिशन है। एडिटरशिप प्रोफेशनल मैगजीन के बनना है, जनरल परमिशन। अदर देन प्रोफेशनल कुछ करना है, स्पेसिफिक परमिशन। समझ आपको क्लैरिटी है सर? समझा भाई सबको? बुक वर्सेस एडिटर, तो बुक एडिटर आपने कंबाइन कर दिया वर्ड। राइटिंग बुक इज अ डिफरेंट थिंग एंड एडिटरशिप ऑफ अ मैगजीन एंड पीरियडिकल इज अ डिफरेंट थिंग। अलग रखो दोनों वर्ड को। अरे नहीं, जो प्रोफेशनल हो अपने सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी रहेगा वो प्रोफेशनल। सिर्फ से देखो, अभी पिटारा ही खुल गया है। चलो वेरी गुड, अब ध्यान दो। अभी यस लास्ट, नो पब्लिक डिमांड्स, हिटलर शाही क्या बोलेगा? जी ज्यादा ही जीवित हो गए अब तो, अंदर के वायरस निकल पड़े। अच्छा अब सुन लो बस आखिरी चीज, इंस्टीट्यूट ने बोला है आप सिर्फ, इंस्टीट्यूट ने अलाउ, यू कैन हैव ड्यूअल सीओपी ओनली विथ एडवोकेट, मतलब ड्यूअल सीओपी हो सकता है आपके पास बार काउंसिल का। इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, क्लाइंट को पाल पोस के बड़ा करो सीए के सीओपी के साथ, जब वो हाईकोर्ट में आता है टैक्सेस में वो भी काम हड़पो, लॉयर बन जाओ, एडवोकेट बन जाओ, और वहां पे एडवोकेट के सीओपी में जाकर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करो, ऐसा इंस्टीट्यूट ने बोला। तो इंस्टीट्यूट ने अपने तरफ से बोला है, अलाउ किया है, बच्चों सीओपी सीए का सीओपी लेकर प्रैक्टिस करो और बार काउंसिल का सीओपी लेके केस लड़ो, ऐसा सीए इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया, ड्यूअल सीओपी ओनली विद बार काउंसिल। तो इससे बार काउंसिल अपने एडवोकेट्स का नुकसान था, ये सीए यहां पे हमारा काम भी खा जाएगा, तो बार काउंसिल ने अलाउ नहीं किया है। अरे ड्यूअल सीओपी है तो इट शुड बी अलाउड बाय सीए इंस्टीट्यूट ऑल्सो एंड इट शुड बी अलाउड बाय बार काउंसिल ऑल्सो, तो बार काउंसिल ने अलाउ नहीं किया है। प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन हमको थ्योरी में आता है, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन होता है
कि हम इंस्टीट्यूट ने बोला क्विकली, इंस्टीट्यूट ने ड्यूअल सीओपी अलाउ किया लॉयर के साथ, यस। उसमें शर्त डाली कि आप एक साथ दोनों डेजिग्नेशन यूज नहीं करोगे, खुद के ऑफिस में बैठो तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखो विजिटिंग कार्ड लेटर हेड सभी डॉक्यूमेंट्स में, जब काला कोट पहनो तो सिर्फ एडवोकेट लिखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं लिखना, ऐसा करने से आप लोगों के नजरों में नहीं आओगे, लोगों को नहीं समझेगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो और एडवोकेट भी हो, इसलिए दो कार्ड लेके पत्ते बांटना, सीए एडवोकेट, सीए एडवोकेट, बराबर। ऐसा इंस्टीट्यूट ने बोला है, लेकिन इंस्टीट्यूट की बातें हवा में ही रह गई क्योंकि बार काउंसिल ने अलाउ नहीं किया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें थ्योरी क्वेश्चन एक बनता है सिर्फ। हो गया अभी? अभी आपको मन में कोई सवाल होंगे तो उसको पीछे के पेज पे लिख दो, क्लास के बाद पूछना, ध्यान देंगे। लिसन, सिक्स सिक्सटी नाइन पे आइए। क्या शादी के कार्ड पे चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख सकते हैं? यस नो? ठीक है, खुद की शादी, क्लोज वोज कुछ नहीं, खुद की शादी नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में जो देखा है, बहुत कुछ गलत देखा हुआ है भाई आपने, तो कृपया प्रैक्टिकल लाइफ से जवाब को ना निकाले, नहीं तो फिर मार्क्स स्वाहा। ठीक है, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट की खुद की शादी है तो उसमें वो चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज कर सकता है, भाई बहन, ठीक है, बेटा बेटी, इनकी शादी में चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज कर नहीं सकते। इस पॉइंट क्लियर? क्या सब गलत? मिसकंडक्ट। सुनो, ये यहां पे आप पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है नोट, उसी क्वेश्चन के नीचे का वहां दिया है तो मतलब पढ़ा दूं, ध्यान देंगे। लेसन ध्यान देंगे, ग्रीटिंग कार्ड्स के ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट का डेजिग्नेशन, पहले ये एक हेडिंग है अलग से, पहले क्लैरिफिकेशन, ठीक है। एक जनरल रूल है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन आप कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते, फिर धीरे धीरे अलाउ किया है। ग्रीटिंग कार्ड्स में यूज कर सकते हो, तो कोई भी त्योहार हो उसमें ग्रीटिंग कार्ड बन रहा है उसमें डेजिग्नेशन डाल सकते हो, शर्त है। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने क्लाइंट्स को भेजो जिनको खुश करने के लिए भेज रहे हो, रिश्तेदारों को भी थोड़ा खुश कर दो लाइफ में, और फिर दोस्त, सिर्फ तीन लोगों को जाना चाहिए। ग्रीटिंग कार्ड्स पे आप क्या डेजिग्नेशन लिख सकते हो? यस, ठीक है, लिख सकते हो ग्रीटिंग कार्ड्स पे, लेकिन तीन लोगों को सिर्फ जाना चाहिए। कौन? रिलेटिव्स, बोले कौन? क्लाइंट्स, रिलेटिव्स और बाजू में फ्रेंड्स। सुनो, अब इनविटेशन कार्ड में तीन ही चीजें अलाउड है, और मैं भी कैसे याद रखता हूँ आपको बताया तो, सीए बनने के बाद में शुक्रिया अदा करोगे ऊपर वाले का, रिलीजियस फंक्शन करोगे उसमें डेजिग्नेशन यूज कर सकते हो, मतलब सिर्फ रिलीजियस कोई भी फंक्शन, उसके बाद में अपना ऑफिस ओपन करोगे तो ऑफिस में तो लिखना ही पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, फिर उसके बाद में शादी करोगे तो मैरिज इनविटेशन कार्ड पे, इसके अलावा बच्चे का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, फलाना है, हाउस वार्मिंग है, इन सब के जो इनविटेशन है उस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आप यूज कर नहीं सकते। ठीक है, क्विकली पहले किसका क्लैरिफिकेशन है? ग्रीटिंग कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स अलाउड है, उसके बाद में कितने इनविटेशन? तीन, और शर्त है ये सिर्फ कितने लोग जाएंगे? तीन। कौन? क्लाइंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। अब सुनिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 16 RTP और 16 MTP से अटका हुआ है। RTP MTP मतलब खटाखट रिपीट मारा था, पहुंचा ही नहीं यहां तक। बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। सोनू और मोनू दो पार्टनर्स है। सोनू ने अपने घर पे एक रिलीजियस फंक्शन रखा है और उसके ग्रीटिंग कार्ड दोनों ने मिलकर
दोनों ने मिलकर बांट दिए अपने क्लाइंट्स को, फिर उसके अपने रिलेशन रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को. इज इट अ मिसकंडक्ट? आंसर इज यस. बोथ वर्ड. बोले सोनू के घर में था ना रिलीजियस फंक्शन, मोनू के क्लाइंट्स तो कॉमन हो सकते रिलेटिव्स, मोनू के रिलेटिव्स को क्यों बुलाया? बोले मोनू के दोस्तों को क्यों बुलाया? तो बोले ये गलती हो गई, इट इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो मेरे को भी लगा हाँ भाई अलाउड है ना सबको अपने, लेकिन यहां पे गेम खेल डाला बोथ में. रिलीजियस फंक्शन एक के घर पे है तो लोग भी किसके कवर होंगे? सिर्फ एक के. सो बी केयरफुल. रे मैडम अभी मैं और एक बात बता रहा हूं क्या ऐसा लिखा होता तो जवाब वैसा देते. सुनो और एक बार बता दूं मैं आपको एकदम क्लियर शब्दों में. 1949 का लॉ है जो बहुत ही वाहियात है, बहुत इल ड्राफ्टेड. और उसके बाद बता दूं यहां पे इंस्टीट्यूट काउंसिल हर 3 साल में बदलता है और हर 3 साल में अलग अलग समय पे अलग अलग क्लैरिफिकेशन है, बहुत ही वाहियात है वो भी. अब आगे सुन लो मैं क्यों बोल रहा हूं. प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ सीए फाइनल, यू कैन नॉट डू दिस विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, तुम पागल हो जाओगे. और तुम ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा हुआ तो क्या होगा वैसा हुआ तो क्या होगा. वेरी गुड, वो सोचना चाहिए जब बहुत टाइम रहता. एकदम बने बनाए केस है, फिट है 99.99 और एक 9, इसमें से ही आना है प्रोफेशनल एथिक्स जितना क्वेश्चन बैंक में दिया 99.999. फिक्स्ड केसेस है, फिक्स्ड पैटर्न है, कोई दिमाग नहीं लगाना. क्यों नहीं लगाना वो भी समझा देता हूं. जो लोग पेपर ड्राफ्ट करते हैं उनको भी कंफ्यूजन रहता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है कि नहीं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी एंड एम्बिग्यूटी. अरे सही बता रहा हूं, कोई जाता नहीं उसके बाहर. तो आप भी कोई लोड मत लो लाइफ में. अच्छा सबसे ज्यादा अभी मैं जो उस पर अभी शुरू हो ही गया, वेरी गुड. सबसे जो उसी के लिए पूरा सब मैं बता था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे यहां पे सर क्लास नंबर 6 लगाओ क्लास नंबर 7 लगाओ, इसमें माथा खराब कर डालते. और मैं आपको बता रहा हूं, देखो मैंने बोला मेरे ऊपर पूरा भरोसा आपको करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं आपके पास और कुछ. मैं जो बोल रहा हूं सच है, सही है, यही अभी मैं बताऊ. क्लास नंबर 6 एंड क्लास नंबर 7, अब सुन लो. नोट भी छाप के दिया है मैंने, एक नोट छाप के दिया है पूरा, एक आएगा कॉन्सेप्ट नंबर. सुनो क्लॉज नंबर 6 के 12 क्लैरिफिकेशन है. कितने साहब? 12. और अभी रिसेंट में और 5 आए जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहे वो लोग. 12 क्लैरिफिकेशन है क्लॉज नंबर 6 के. कुछ भी लिखा उसमें, तारीफ भी लिखी हो, कितनी भी तारीफ हो रही है, लेकिन क्लैरिफिकेशन किसका मैच हो रहा है? 6, क्लॉज 6 ही लगेगा. फालतू का दिमाग खराब मत करो. सर तारीफ अगर की तो अचीवमेंट हाईलाइट की तो क्लॉज नंबर 7. ओ भाई तारीफिकेशन कौन से क्लॉज में इशू आता? 6, सिर्फ 6 लगेगा. मैंने सारे सब कर लिया मैंने, और उसके बाद एकदम क्लियर कट, 6 का क्लैरिफिकेशन है तो 6 ही लगेगा. उसमें तारीफ की बात भी किए तो भी सर 7 भी लगा देना क्या? नहीं लगाने का, आंसर कम, मार्क्स कम हो जाएंगे. और 7 के 10 क्लैरिफिकेशन है, वो क्लैरिफिकेशन है तो 7 ही लगाने का, दुनिया इधर की उधर हो जाए. अगर तुमने ये पॉइंट से चले, एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ थॉट, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, परफेक्ट आंसर्स, ये रूल अगर आपने लगाया तो आप बोलते मैं केस को इंटरप्रिट करता फॉर द फैक्ट, मैं इंटरप्रिट करता और अब मैं आंसर सोचता. ओ भाई ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, FR होता होगा और SFM भी होता होगा और DT RDT भी होता होगा. प्रोफेशनल एथिक्स में तो वही केस घूमता है, तेरे को सोचना पड़ रहा मतलब तेरा केस पढ़ा हुआ नहीं है, तेरा केस पढ़ा हुआ नहीं है, तूने पढ़ा हुआ नहीं है. पिछले कितने भी एग्जाम उठा के देख लो, सब इधर से ही घूम फिर के आ रहा है. उसमें अगर बच्चे ने गलत किया है बहुत खतरनाक है. यानी वही इंस्टीट्यूट उतना ही पलट पलट के पूछ रहा है. अभी सुनो इतनी धुलाई करने के बाद अब मैं आपको वो 12 क्लैरिफिकेशन बता दूंगा क्लॉज 6 के, और आपको 10 क्लैरिफिकेशन बता दूंगा क्लॉज 7 के. उसका क्वेश्चन आया तो वही 6 और 7 पे चलना है. और
फिर उसके बाद में 6 लाख, सर आप तो एक अलग ही रट्टा, ऐसा ही क्या करूं मैं, मैंने बहुत लॉजिक ला के देख लिया, बहुत इंटरप्रिटेशन ला के देख लिया, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ऐसे ही नहीं बना, रैंक पैंक भी था, तो मैंने भी बहुत लॉजिक वॉजिक ला के सब देख लिया, सब लॉजिक देखा तो सत्यानाश हो गया, मैं खुद कंफ्यूज कि अब क्या करूं, फिर मेरे को रिसर्च किया समझा, ऐसा सोचना ही नहीं था, 12 क्लैरिफिकेशन, 6, 10 क्लैरिफिकेशन, 7, 6, 6 आपको बताऊंगा जहां पे 6 और 7 दोनों लगते, इतनी चीज अगर आपको याद है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी है क्लॉज 6 एंड 7 में, विदाउट एनी कंफ्यूजन, आपके नोट्स पे आएंगे। सुनो, ये पेज नंबर 7.5 पे है, क्लॉज नंबर 6। मैं क्लॉज नंबर 6 पूरा नहीं पढ़ाने वाला, सिर्फ वो क्लैरिफिकेशन पे जो है हमारा इंपॉर्टेंट उस पे ध्यान देने वाले, वो भी 12, 10 और 6, खत्म कहानी। सुनो, हाँ, अब क्लॉज नंबर 6 है, क्लॉज नंबर 6 में बोला है डायरेक्टली, सुनो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सॉलिसिट नहीं कर सकते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप क्या नहीं कर सकते, सॉलिसिट, सॉलिसिट करना मतलब क्लाइंट को अट्रैक्ट करना, कन्विंस करना, मेरे सर्विसेज ले ले बेटा तू, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। और उसमें कौन से मीडियम से बैन किए, सबसे पहले जो थोड़ा सम्मानजनक है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट लगाकर तुम लोगों को सॉलिसिट नहीं कर सकते, इसलिए आप कभी होर्डिंग्स नहीं देखते या रेडियो पे जिंगल नहीं सुनते, करेक्ट, उससे नीचे गिर गए पर्सनल कम्युनिकेशन फोन कर करके, मैं अभी अभी सीए बना हूं, आपको रिटर्न भरवाना है क्या, ऐसा भी आप नहीं कर सकते, नहीं उससे थोड़ा नीचे सर्कुलर, फर्रे बंटवाना, आप फर्रे नहीं बंटवा सकते सीए फर्म के, बेचारे आर्टिकल क्या करेंगे उससे थोड़ा नीचे गिर गए, और पर्सनल कम्युनिकेशन फोन कर करके, एसएमएस कर करके, व्हाट्सएप कर करके मुझे काम दे दो, ऐसा नहीं कर सकते, फिर आप उससे भी नीचे गिर गए इंटरव्यू के बीच में, और बाद में बोलने लग गए प्लीज मुझसे काम करवा लो, इंटरव्यू अच्छा लगा तो, ऐसी हरकतें भी कर नहीं सकते। और अदर मींस क्विकली, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉलिसिट नहीं कर सकते, पहले कैसे, एडवर्टीजमेंट थोड़ा सम्मानजनक है, उससे नीचे गिर गए सर्कुलर, और नीचे गिर गए पर्सनल कम्युनिकेशन, और नीचे गिर गए इंटरव्यू, और नीचे गिर गए अदर मींस, 5 चीजें बैन कर दी। इज दिस पॉइंट क्लियर? सिर्फ 2 एग्जेम्पशन से, एक्सेप्शन से इसके, एक यू कैन गो टू अनदर सीए इन प्रैक्टिस, यू कैन गो फॉर टेंडर, यू कैन गो फॉर टेंडर एंड यू कैन गो फॉर अनदर सीए इन प्रैक्टिस। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस नो? ओके, जो जो मार्किंग है वो कर लो, क्योंकि आपको घर जाके उत्ता पढ़ना है, जितना पढ़ा है उत्ता, ठीक है? अब सुनो, अब ये 12 क्लैरिफिकेशन है, मैंने क्लॉज भी क्यों पढ़ाया, ये 12 क्लैरिफ, व्हाट आई डिड, मुझे था याद करवाना, और मुझे पता था कि 12 क्लॉज एक साथ याद करवाना मुश्किल होगा, तो क्या के जो 5 हेडिंग्स थी, मैंने वो 5 हेडिंग्स के साथ में कुछ कुछ क्लैरिफिकेशन को ऐड कर दिया, ताकि वो बट जाए और याद करने में आसानी हो। कितनी चीजें बैन हुई क्लॉज नंबर 6 में? 5। अब मैंने एक एक के साथ में क्लैरिफिकेशन को जोड़ दिया ताकि याद रहे, आपके दिमाग में ये इमेज रहना चाहिए, लेफ्ट साइड में लिखा है कौन सा एडवर्टाइजमेंट, प्रेस, इसमें बाजू में क्या लिखा है बॉक्स नंबर, नीचे क्या लिखा है आर्टिकल्स, उससे बड़े बुक्स, क्विकली पहले क्या लिखा है प्रेस एडवर्टाइजमेंट, बाजू में बॉक्स नंबर, फिर आर्टिकल्स एंड बुक्स। सुनो क्या क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन है पहले एडवर्टीजमेंट पे, हम न्यूज़पेपर में एड दे सकते हैं फॉर चेंज, पार्टनरशिप के पार्टनर्स बदल गए, नाम बदल गया, एकदम सबसे बड़ी चीज, ठीक है, पार्टनरशिप के पार्टनर ही बदल गए, या फिर उसका नाम बदल गया, या फिर उसका ऑफिस एड्रेस बदल गया, पुराने जमाने फोन नंबर बदल गया, तो सिर्फ ये चेंज का आप एडवर्टीजमेंट डाल सकते हो, कॉमन सेंस है वो, डाल सकते हो, बोले ठीक है डन।
उसके नीचे सीए इंस्टीट्यूट का जो जर्नल है उसमें आप अगर आपको काम चाहिए तो ऐड डाल सकते हो, काम देना है तो भी दाम डाल सकते हो, फॉर्म का नाम नहीं आना चाहिए, सीए इंडिविजुअल सीए का नाम आना चाहिए। एडवर्टीजमेंट में दो क्लैरिफिकेशन है, पहला कौन सा? चेंज। प्रेस एडवर्टीजमेंट में दो है, पहला कौन सा? चेंज। दूसरा कौन सा? सीए इंस्टीट्यूट का जर्नल, उसमें काम देने के लिए भी आर दे सकते हैं और लेने के लिए भी, लेकिन क्या नहीं आना चाहिए? फर्म का नाम आना नहीं चाहिए। पुराने जमाने में बॉक्स नंबर, पीओ बॉक्स नंबर सुना होगा ना आपने, ऐसा लिखा जाता था किसी को सीए की सर्विसेज हो तो इस पीओ बॉक्स नंबर पे कांटेक्ट करो, नाम वाम के बिना नॉट अलाउड। पीओ बॉक्स नंबर की सर्विस लेके न्यूज़पेपर में जाना नॉट अलाउड। क्या हम लोग बुक्स, आर्टिकल्स और बुक्स लिख सकते हैं? यस, शर्त है फर्म का नाम नहीं आना चाहिए। ये तीन बात है, पहला क्विकली कौन बोला सर? एडवर्टीजमेंट, उसमें याद होना चाहिए पहले प्रेस एडवर्टीजमेंट, राइट साइड में बॉक्स नंबर, नीचे आर्टिकल्स एंड बुक्स, वो इमेज प्रिंट होना चाहिए दिमाग में। अब सुनो, सर्कुलर, उससे गिरा हुआ सर्कुलर, सर्कुलर से मैंने तीन जोड़ दिए। पहला, एक बंदे ने 10,000 इनवलप, 10,000 फर्रे छाप दिए और इनवलप छाप दिए और पूरे डिपार्टमेंट्स को इंडिया में बेच दिए। तुम अगर सीए का पैनल मेंटेन करते होंगे तो मेरा नाम लिख लो, मेंटेन करते होंगे तो मेरा नाम लिख लो, उसको बोलते रोइंग इंक्वायरी। वो तो ऐसा हो गया कि वैलेंटाइंस डे के दिन मॉल के सामने आप खड़े हो गए, फ्रेंड की जरूरत होगी तो रख लो, बराबर, उसको बोलते रोइंग इंक्वायरी, इट इज नॉट अलाउड। आपको पता होना चाहिए कि पैनल एग्जिस्ट करता है, सामने रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसको जो समझना है समझो। फिर सर्कुलेशन में पहले था रोविंग इंक्वायरी का, पहले कौन सा था? रोविंग इंक्वायरी। फिर बाजू में रिप्रेजेंटेशन लेटर, रेजिग, जब बंदे को रिमूव किया जाता है तो वो अपनी बात को शेयर होल्डर के सामने रख सकता है रिप्रेजेंटेशन लेटर बनाकर, लेकिन शर्त है उसका नीडलेस पब्लिसिटी, खुद की जबरदस्ती तारीफ और सामने वाले का डिफेमेशन नहीं होना चाहिए। अब कोई बोलेगा सर खुद की तारीफ की, क्लॉज नंबर 7। ओ भाई, क्लैरिफिकेशन किस में इशू हुआ? सिक्स में, सिक्स ही लगेगा, कंफ्यूजन कहां पे है? नो इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड, इंस्टीट्यूट ने इशू किया क्लॉज नंबर 6 में तो सिक्स ही लगेगा। खुद को और मुझको और अपने दोस्तों को कंफ्यूज ना करे, एकदम क्लैरिटी है। और इंस्टीट्यूट ऐसे ही जवाब देता है, सर मैं 6 और 7 दोनों लिख दू तो मार्क्स कटेंगे, लिख दो। जब इंस्टीट्यूट एक ही क्लॉज लिखकर भेज रहा है साफ साफ, तो फिर आप दोनों क्लॉज क्यों रेफर कर रहे हो उसमें? और मैं बता रहा हूं उनका पैटर्न कौन सा है। तो बात समझे साहब, पहले क्या था सर्कुलर? रोइंग इंक्वायरी का, बाजू में रिप्रेजेंटेशन का, उसके नीचे हैंडबिल। बजट आता है तो क्या हम बजट का एनालिसिस हैंडबिल बना सकते हैं? यस, बनाओ ना। फर्म का नाम लिख सकते हैं? यस। किसको भेजो? क्लाइंट्स, बस वो खास बात है, क्लाइंट्स को भेजो, यो बनाना है बनाओ, बाकी लोगों को नहीं भेज सकते सर वो। लेकिन वो बिग फोर्स का सर्कुलर होता है, वो लोग जाके डाउनलोड मारते, वो ईमेल नहीं करते, लोग जाके डाउनलोड करते और फिर सर्कुलेट करते, वो उनका प्रॉब्लम है, बट दे के नॉट सेंड इट टू एवरीवन। एनालिसिस पहले क्या था साहब, बोलो? एडवर्टीजमेंट। अरे पहले क्या था? एडवर्टीजमेंट, प्रेस बॉक्स, आर्टिकल, बुक्स। उसके बाद में तीन क्या थे? सर्क्यूलर, लेफ्ट में रोविंग इंक्वायरी, इमेज दिखना चाहिए दिमाग में, बाजू में रिप्रेजेंटेशन, नीचे हैंडबिल। नाउ पर्सनल कम्युनिकेशन, ये मैं डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। ग्रीटिंग कार्ड पे नाम छापो, इट शुड बी सेंड टू क्लाइंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। इनविटेशन कार्ड कितने अलाउड है? तीन, वो भी किसको भेजो? क्लाइंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। फिर पर्सनल कम्युनिकेशन में सीकिंग वर्क फ्रॉम प्रोफेशनल कलीग, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। क्या हम लोग दूसरे सीएन प्रैक्टिस के पास जा सकते क्या? यस नो। एक बंदे ने क्या किया? न्यूज़पेपर में एड छाप दिया, टू ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ द सिटी, ठीक है, आई हैव रिसेंटली क्लियर्ड माई एग्जाम, आई एम न्यू प्रैक्टिसिंग मेंबर, इफ यू हैव एनी वर्क प्लीज गिव इट टू मी, नॉट अलाउड। मास कम्युनिकेशन अलाउ नहीं किया, जाके मिलो वो अलाउ किया। फिर और एक
था इसमें, बंदे ने मेल डाल दिया सभी चार्ट अकाउंटेंट्स को, इंडिया में, पूरे इंडिया में जितने भी सीए थे सबको मेल डाल दिया, चलेगा? यस। वहां पे जब वो न्यूज़पेपर में गया तो ही इज रीचिंग एवरीवन, नॉट इवन नॉन चार्ट अकाउंटेंट्स भी। लेकिन अगर ईमेल करता है तो इट इज गोइंग स्पेसिफिकली टू चार्ट अकाउंटेंट, एब्सोल्युटली फाइन, अलाउड। अभी मैंने बताया, इफ यू यू डोंट मैडम एग्जाम, यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग बी गिवन बियॉन्ड दिस। मैं बता रहा हूं, मैं आपकी भावनाएं बिल्कुल समझ गया, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर लाइफ सिंपल रखनी है आप, मैं जानता हूं पढ़ते आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बट आई एम सेइंग यू, प्लीज डंप ऑल दोज थॉट्स, इज इज अ टाइम, प्योर टाइम वेस्टेज। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है सोशल मीडिया, स्टेटस डाला तो, पेज बनाया तो, अपडेट डाला तो, पोस्ट डाला तो, फिर वो स्टोरी डाली तो क्या होगा? अरे कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं है, जिस चीज का क्लैरिफिकेशन नहीं है सोचो ही मत। और मेरा एक्सपीरियंस से बोलता है, फेसबुक काफी सालों से है, लेकिन इतने समय में ऐसे इंस्टीट्यूट ने सोशल, अगर करना होता है इंस्टीट्यूट को सोशल मीडिया पे, तो एक केस तो पूछ लेते, आज तक एक केस नहीं है फेसबुक व्हाट्सएप इन सब के ऊपर, पता चला सुन रहा है इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर वो पूछ नहीं सकते क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कुछ क्लैरिफिकेशंस वैसे अभी डाले नहीं है, बात समझ रहे? तो आप मत सोचो, सोचेंगे तो उसमें समय जाएगा और एग्जाम में एक पैसे का वैल्यू एडिशन नहीं है। जो पूछा है मैं आपको, एग्जाम जो पूछा है बता दे रहा हूं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से यहां एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो, कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो आप, इंटरव्यू का क्लैरिफिकेशन कौन सा क्लॉज? सिक्स। इंटरव्यू वर्ड आया ना, सिक्स ही लगेगा। क्विकली, पर्सनल कम्युनिकेशन में सिर्फ दो क्लैरिफिकेशन थे, लेफ्ट में क्या था? ग्रीटिंग कार्ड्स एंड इनविटेशन। राइट में क्या था? सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल कलीग्स, और उसके नीचे बस दो ही थे वो। अब उसके नीचे आपका इंटरव्यू का एक ही है, पब्लिक इंटरव्यू। इंटरव्यू दो, क्या फर्म का नाम आ सकता है? यस। हाँ, यही पे गलती करते बच्चे, रेयरली इट इज अलाउड। अलाउड है फर्म का नाम, टीएनबीसी में देखोगे तो पार्टनर्स के नाम आते नीचे, कौन सा पार्टनर का नाम भी आता है, अलाउड है। पब्लिसिटी इज नॉट अलाउड, तारीफे करना इज नॉट अलाउड, एंड नॉट अंडर क्लॉज 7, अंडर क्लॉज 6, क्योंकि क्लैरिफिकेशन इज इश्यूड अंडर क्लॉज 6। इंटरव्यू में जाओ, इंटरव्यू में फर्म का नाम अलाउड है, लेकिन पब्लिसिटी ऑफ द पार्टनर, पब्लिसिटी ऑफ द फर्म, वेल नोन फर्म, इतने साल उतने साल, फलाना ढिकाना टिकाना, वो अलाउड नहीं है, नाम अलाउड है। और इसलिए इंटरव्यू वर्ड में आपको ध्यान रखना है, इंटरव्यू किधर भी हो, फिर वो टीवी इंटरव्यू करेक्ट, कहीं पर भी इंटरव्यू हो, आपको क्लॉज नंबर 6 लगेगा, बात समझ रहे? इंस्टीट्यूट जैसे सोचता है, जैसे पेपर ड्राफ्ट करता है और जैसे आंसर देता है, मैं उसका सिंप्लीफाइड वर्जन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसको फॉलो करेंगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब इंटरव्यू से नीचे गिर गया, कौन सा? अदर मींस, टेलीफोन डायरेक्टरी में नाम आ सकता है, यस, आपके सिटी को हो, सबके लिए ओपन हो, उसमें फीस पे करके रीजनेबल फीस दो, फीस में अलाउड है, लेकिन पैसे दे करके खुद का नाम बोल्ड में कर देना, ऊपर के लेके आ जाना, स्टार लगा देना चार पांच, ऐसा नहीं हो सकता। आपको आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम आना चाहिए। और तो कुछ वाहियात बातें की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वहां पे, आप कहाँ पे डायरेक्टर लिख भो वहां पे वो भी लिख सकते हो, हॉबी भी लिख सकते हो, बोले आपके डायरेक्टरी में कोई हॉबी लिखता है, कुछ भी क्लैरिफिकेशन इशू किया है। और अच्छा, वैसे ही ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती है आजकल, क्या वहां रजिस्टर हो सकते हैं? यस, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी में अलाउड है, ऑनलाइन लोग डेटाबेस मेंटेन करते, वहां पर भी हो सकते हैं, विथ और विदाउट पेमेंट ऑफ फीस, एब्सोल्युटली फाइन। टेलीफोन डायरेक्टरीज अलाउड है, ऑनलाइन डायरेक्टरीज अलाउड है, बाजू में, ठीक है। हमारा दोस्त हमको एक स्कूल के प्रिंसिपल को मिलाने के लेके गया, दोनों भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम लोग घर पे अपने अपने ऑफिस में आ गए, प्रिंसिपल ने हमको कांटेक्ट किया, आपका दोस्त बोले सच बात है बहुत ही बेकार काम करता है, टाइम पे काम करता ही नहीं है, एक काम करिए प्लीज, आप ना आप ही हमारा काम कर दो। इसको बोलते हैं वर्क एमिनेटिंग फ्रॉम अ कॉन्टैक्ट विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अनादर चार्टर्ड अकाउंटेंट।
ऐसे व्यक्ति से काम आ रहा है जिसका इंट्रोडक्शन किसी और सीए ने करवाया था, क्या लिखा है? हम बोलेंगे सर मैं कर सकता हूं काम, लेकिन आपको पहले खुद इन्फॉर्म करना पड़ेगा उस चार्ट अकाउंटेंट को कि देखो ऐसा ऐसा काम करवाना है, और हम आपसे नहीं किसी और से, उनसे आपसे नहीं आपके दोस्त से करवाना चाहते हो। यू हैव टू इन्फॉर्म दी ओरिजिनल चार्ट अकाउंटेंट, उसको इन्फॉर्म किए बिना पीठ पीछे अगर काम ले लिया तो इट विल बी अ मिसकंडक्ट। ही शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन एंड लेट हिम टेक एनी स्टेप और एक्शन ही वॉन्ट्स टू टेक इट। क्या रिटर्न में परमिशन? ऐसा नहीं बोला हुआ है, सिर्फ आपने उनको कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, आखिरी एम्पैनलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पता है एम्पैनलमेंट है, अप्लाई करिए, फीस डालिए अगर पूछा है तो, और पूछा है तो राइटिंग में दो। साइक्लोस्टेट, आपको पता है फर्रे बनते एकदम पतले से, वो जेरोक्स नहीं होता, साइक्लोस्टेट मशीन आती है, बोले ऐसे आपने मेन्यू कार्ड जैसे छाप दिया रिटर्न इतना ये उतना, वैसा नहीं देना, वैसा नहीं देना आपको, किसे लिख के दे सकते हैं आप, बात समझिए क्या साहब? अरे साइक्लोस्टेट नहीं पता क्या? अच्छा बहुत पुरानी बहुत टेक्नोलॉजी है, जेरोक्स के भी उससे गई बीती है, एकदम पतले फर्रे बनते साइक्लोस्टेट मशीन से बनते, बहुत ही पुअर क्वालिटी। तो एक सीए ने क्या किया था, ऐसे छाप दिए बल्क में फीस का, कोई भी आया ये ले फर्रा दे दिया उसको, ये फीस का फर्रा है, बोले ये अनप्रोफेशनल है ऐसा मत करो, किसी ने फीस मांगी तो लिख कर दो, ऐसा मेन्यू कार्ड जैसे तुमने बना के सबको देना शुरू कर दिया वो अलाउड नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्विकली 12 हो गए साहब, क्विकली सबसे पहले कौन था, क्या नहीं कर सकते? एडवर्टीजमेंट, सिर्फ नंबर आता, कितने थे? 3। उसके बाद क्या था? सर्क्यूलर, कितने थे? 3। सर्कुलर से नीचे के पर्सनल कम्युनिकेशन कितने थे? 2। इंटरव्यू का कितना था? 1। और अदर मीन्स कितना है? 3। ये 12 के 12 सबसे ज्यादा केसेस अगर है वो है क्लॉज नंबर 6 पे, ये 12 के 12 एज इट इज क्लैरिफिकेशन आते हैं। ठीक है, अब सुनो, वेबसाइट का कोई भी क्वेश्चन आया, वो शॉर्ट में बताओ, वो नहीं पढ़ा रहा मैं, वेबसाइट का कोई भी क्वेश्चन आया क्लॉज नंबर 6 ही लगेगा उसमें, एक ठीक है एक्सेप्शन है वो, क्लॉज नंबर 6 ही लगता है उसको, वेबसाइट के 99.99 में क्लॉज 6 कुछ नहीं सोचना है, क्लॉज 6 ही लगेगा क्योंकि उसका पूरा गाइडलाइंस क्लॉज 6 में इशू है। अब सुनो क्लॉज नंबर 7 है, क्लॉज नंबर 7 में ये आप आओ पेज नंबर 27.11 पे, 12 क्लैरिफिकेशन किसके थे साहब? क्लॉज 6 के। अब वैसे 10 क्लैरिफिकेशन है किसके? क्लॉज 7 के। क्लास 7 के क्लैरिफिकेशन है, ध्यान देंगे। अब मैंने उसको अरेंज कैसे किया है, देखो हर जगह निमोनिक नहीं हो सकते, पगला जाएंगे। अब सुनो, सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड किसका है? प्रेस का। उससे थोड़ा कम टीवी रेडियो, उससे थोड़ा और कम मैगजीन्स, उससे थोड़ा और कम प्रोस्पेक्टस, उससे और कम पोजीशन ऑफ नेशनल लोकल इंपॉर्टेंस, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना कहीं पे, अथॉरिटीज को गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना, उससे और कम ट्रेनिंग, उससे और कम साइन बोर्ड्स, और उससे कम सर्टिफिकेट्स आपके जहाँ सर्कुलेट होते हैं, फिर नोवल, फिर ये अलग है लोगो और डेट ऑफ ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। क्विकली सबसे ज्यादा सर्कुलेशन प्रेस, उससे कम फिल्म टीवी रेडियो, उससे कम मैगजीन्स, उससे कम प्रोस्पेक्टस, उससे कम पोजिशंस, उससे कम ट्रेनिंग्स, उससे कम साइन बोर्ड, उससे कम सर्टिफिकेट। सुनो अभी 8 है, और आखिरी 9वां कौन सा है? लोगो। 10वां कौन सा? ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ध्यान देंगे। प्रेस, आपके ऑफिस, सबसे पहले आप प्रॉपर्टी बाइंग और सेलिंग की एड दे सकते हो खुद के लिए और क्लाइंट के लिए। अगर आपको प्रॉपर्टी बाय सेल करनी है खुद के लिए, क्लाइंट के लिए, क्लाइंट के लिए भी आप एड दे सकते हो, इट इज अलाउड, दोनों के लिए अलाउड है। ये बात समझिए साहब, इज दिस पॉइंट क्लियर? यस नो? और आपको अगर रिक्रूटमेंट की एड देनी है, रिक्रूटमेंट करना अलग चीज है, और रिक्रूटमेंट की एड देना है वो भी अलाउड है आपके लिए और आपके क्लाइंट के लिए।
तो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए पेपर में एड दे सकते हो अलाउड, रिक्रूटमेंट के लिए पेपर में एड दे सकते हो अलाउड, ठीक है। तो पेपर में एड और फिर आपका आर्टिकल पास होता है तो उसका सक्सेस नोट अलाउड है। एक आर्टिकल था हमारे फर्म में काम करता था, उसने अच्छा काम किया, वो पास हो गया, बहुत बढ़िया। फर्म की पब्लिसिटी नहीं, फर्म का नाम तो आएगा ही, फर्म की पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। तो पेपर में एड अलाउड है, पहला किसके लिए? प्रॉपर्टी। दूसरा कौन सा? रिक्रूटमेंट। तीसरा सक्सेस ऑफ कैंडिडेट, लेकिन तारीफें ज्यादा नहीं। अब यहां पे एकदम एक कॉमन चीज है बस, टीवी रेडियो पे चार्टर्ड अकाउंटेंट जा सकता है क्या? यस। फर्म का नाम नहीं आना चाहिए। अब देखो यहां कंफ्यूजन होता है, टीवी इंटरव्यू, ओ भाई इंटरव्यू क्या लगेगा? सिक्स। फर्म का नाम आ सकता है? यस। नो पब्लिसिटी, सिर्फ टीवी, फिल्म, रेडियो, ठीक है। फर्म का नाम आना नहीं चाहिए, फर्म नेम शुड नॉट कम। अब वो लोग बोलेंगे सर आजकल मूवीज में तो आता है, आप मूवीज में, ठीक है, फर्म का नाम आता है, फर्म का नाम आता है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ने ये क्लैरिफाई किया कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट टीवी, रेडियो, फिल्म्स में काम करता है तो फर्म का नाम आना नहीं चाहिए, करेक्ट। तो उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, फर्म का नाम आना नहीं चाहिए, इट शुड नॉट बी देयर। तो सर कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहा? वो अलग, हमारा प्रोफेशनल एथिक्स इतना खतरनाक है। अब मैं आपको क्या बताऊं, कल 2 दिन पहले की बात है, सीसीएम मेंबर बहुत पॉपुलर जो है, उनका व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट आया मेरे को, उनके वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखा गया, उसकी लिंक लिखा है वेबसाइट गाइडलाइंस में, आप आपके वेबसाइट के अंदर का कोई भी कंटेंट, ठीक है, पुश करके वेबसाइट को पॉपुलर बना नहीं सकते। और वो एकदम टॉप के जो सेकंड थर्ड टाइम काउंसिल मेंबर बन रहे हैं, उनका ब्रॉडकास्ट मैसेज था, अभी क्या बोलने का। तो इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ अगर देखोगे तो एकेडमिक्स में मार्क्स खो जाएंगे, उसको छोड़ दो, ठीक है, अलाउड नहीं है, मतलब आंसर छोड़ दो, मतलब इट इज नॉट अलाउड। टीवी से कम, उससे कम मैगजीन, वापस तुम्हारा नाम आ सकता है, फर्म का नाम आना नहीं चाहिए, और खुद होके तुमको कवर करना चाहिए। पुराने जमाने की बात है, पैसे देके तुमने बोला कि मेरा मैगजीन में नाम छापो, वो तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। उससे छोटा प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस में 6 एंड 7 दोनों लगता है। प्रॉस्पेक्टस में आपका नाम आ सकता है, आपकी तारीफ होनी नहीं चाहिए, बात समझ रहे सब? फिर आप लिसन, आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है लोकल बॉडीज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट्स, नेशनल बॉडीज, कहीं पर भी आप देश को, आप किसी ऑर्गेनाइज देश को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, लोकल बॉडीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बिल्कुल जाइए। उसमें अब उसका नाम, आपका नाम लिया जा रहा है, बिल्कुल, वापस एक ही शर्त है, फर्म का नाम आना नहीं चाहिए। फर्स्ट को छोड़ दो ना, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब में एक ही बात लिखी है, क्या? फर्म का नाम आना नहीं चाहिए। ट्रेनिंग सेमिनार लीजिए, अनड्यू प्रोमिनेंस बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, आपका नाम ऐसा होना नहीं चाहिए। उससे कम साइन बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड्स बोलते हैं, CA जगबग जगबग कर रहा है, ऐसा अलाउड नहीं है। आप सर्टिफिकेट साइन करते हो, कभी कभी ये सर्कुलेट सर्कुलेट किया जाता है, जितना जनरली सर्कुलेट होता है उतना करिए फाइन। जबरदस्ती फुल पेज एड में वो सर्टिफिकेट छाप दिया और वहां पे नाम बोल्ड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना रेगुलर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट का सर्कुलेशन होता है उतना होने दीजिए, उसके बाद आपका नाम जा रहा है तो जा रहा है, बात समझ रहे साहब? उतना अलाउड है। क्विकली सबसे ज्यादा प्रेस, प्रेस से कम टीवी रेडियो, उससे कम मैगजीन, उससे कम प्रोस्पेक्टस, उससे लोकल पोजीशन, उससे कम ट्रेनिंग सेमिनार, उससे कम साइन बोर्ड, उससे कम सर्टिफिकेट। लोगो CA के अलावा दूसरा अलाउड नहीं है। और आखिरी इसमें क्लैरिफिकेशन, आखिरी क्लैरिफिकेशन, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मानता है ये तो, विजिटिंग कार्ड लेटर हेड पे ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नहीं डाल सकते, नहीं तो उसमें हाइलाइटिंग प्रोफेशनल अचीवमेंट हो जाएगा।
सिंस 1950, सिंस 1970, ऐसा आप लिख नहीं सकते। तो विजिटिंग कार्ड और लेटरहेड पे बैन हो गया। वेबसाइट में ठीक है, अपलोड ऑन पुल बेसिस, मतलब अबाउट अस में क्लिक करोगे वहां दिख रहा है चलेगा, पहले पेज पे नहीं आना चाहिए। क्लिक करके कोई पढ़ना चाहता है फर्म के बारे में तो देखो ये सर ऐसा क्यों हो रहा है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग काउंसिल्स है, उनकी अलग अलग सोच है। पहले बोले अलाउड ही नहीं है, फिर धीरे से पुल बेसिस अलाउ किया, कहां पे? वेबसाइट पे। फिर राइटअप, सुनो ये राइटअप मतलब क्या होता है, आर्टिकल लिखकर पब्लिसिटी करना, उसको बोलते हैं राइटअप। फॉर योर नॉलेज और आपको पता होगा राइटअप लिखना अलाउड है। राइटअप लिखो, फर्म के डिटेल्स, पार्टनर के डिटेल्स, सर्विस के डिटेल्स, सिग्नेचर मार के आप इसको मैगजीन में प्रिंट कर सकते हो, न्यूज़पेपर में प्रिंट कर सकते हो, पुश पुल सब अलाउड है। आप राइटअप लिखकर एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, वो भी देखो इंस्टीट्यूट की महानता, एडवर्टीजमेंट का क्लॉज 6 है। लेकिन राइटअप के थ्रू एडवर्टीजमेंट करना, दिस इज एक्सेप्शन ऑफ क्लॉज 7, समझ रहे क्या बोल रहा हूं? और राइटअप के अंदर, राइटअप के अंदर आप वेबसाइट का नाम, आप ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी लिखो, अलाउड है। तो देखो कहां पे अलाउड नहीं है, विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड, कहां पे? पुल बेसिस, वेबसाइट। और कहां पे ऐसे ही सब अलाउड है? राइटअप। सब समझ रहे सब क्या? बराबर, इसलिए लिखा भी क्लॉज 6, अग्रीड ठीक है। नहीं लेकिन ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज क्लॉज 7, यही बता रहा था मैं। 99.99 क्या लगेगा? क्लॉज 6, लेकिन ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज अंडर क्लॉज 7, दोनों नहीं सिर्फ 7। ये बात वेबसाइट गाइडलाइंस में नहीं लिखी है, क्लॉज 7 में लिखी है। कुछ बातें हैं भैंसी क्या? वेट, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की तीनों बातें क्लॉज 7 ही लगेगी। वेबसाइट को जनरली कौन सा क्लॉज लगता है? 6, ये एक्सेप्शन है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज एक्सेप्शन, उसको क्लॉज 6, क्लॉज 7 लगेगा। साहब 12 किसके? 6 के। 10 किसके? 7 के। यस, अब यहां पे 6 और 7 के केसेस दिए। राइटअप क्या? राइटअप मतलब आर्टिकल लिखना, अपने फॉर्म के डिटेल्स देना, हम क्या सर्विसेज देते हैं वो बनाकर आप उसको कहीं पर भी छाप सकते हो। दिस इज एक्सेप्शन ऑफ क्लॉज 7, अलाउड है। कौन से क्लॉज में? 7 में उन्होंने अलाउ किया। और वहां पे ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी लिख सकते हो। वो राइट, आप राइटअप बनाकर उसको न्यूज़पेपर में छापो, मैगजीन में छापो, सर्कुलर उसके प्रिंट करके सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, ऑनलाइन मीडिया में डालो, पुल बेसिस डालो, पुश बेसिस डालो, सब कुछ अलाउड है। किसमें? राइटअप में, ठीक है। ओके, अब मैं उसके अंदर राइटअप के भी गाइडलाइंस है, लेकिन जाने दो, जितना बता रहा उतना सिर्फ ठीक है सर, उतना ही बहुत है बोले। अब 1 मिनट रुको, ये मार्किंग नहीं किए यहाँ पे। अभी मार्क मत करो आप लोग,
आप मत कुछ करिए भाई। डिमांड आई है तभी क्या डस्ट है ना। चलिए ध्यान देंगे। लास्ट मैंने आपको बोला 6 और 7 को रिजोल्व करना है, 12, 10 और ये अब 6 है केसेस जहां पे 6 और 7 दोनों लगते हैं। अनफॉर्चुनेट है बट दिस इज द फैक्ट, यू हैव टू गो वेल सॉल्विंग केसेस। ठीक है, एक एक करके एफ पहले फॉर्म्स इसको मार्क करते जाओ आप, वहां पे एफ हाईलाइट करके। एक फर्म ने एक बहुत बड़े बिग फोर के इस बड़े फर्म के पार्टनर ने ज्वाइन किया, तो इसने बहुत ढिंढोरा पीटा, अब आओ मेरे पास, अब आओ, इतने बड़े आदमी ने मेरे को ज्वाइन किया है, अब तुम मेरे पास आओ। तूने तारीफ की तो गया साथ में, और तूने लोगों को बुलाया, सॉलिसिट किया, तो किसमें गया? 6 में। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर फर्म में किसी नए बंदे ने ज्वाइन किया है और अब तुम सबको सॉलिसिट कर रहे हो, तारीफे कर रहे हो, सॉलिसिट कर रहे हो, 6 और 7 दोनों में गया। बी स्टैंड फॉर बैनर, ये तो दिल्ली में ही हुआ था, बैनर ही छाप दिया बंदे ने, बैनर छाप दिया मेट्रो स्टेशन के बाहर, सीए फॉर्म का रिटर्न भराओ। तो बोले बहुत ही गलत बात, 6 और 7 दोनों में गया। लोग आते जाते रहते, बोले रिटर्न नहीं फाइल करते, मेट्रो स्टेशन के बाहर बैनर लगा दिया, 2 टेबल लगा दिए, लैपटॉप 500 रुपए में रिटर्न, ठीक है 50 रिटर्न फाइल कर दो, 50 × 500, ठीक है 25,000 रुपए दिन के। उसने दिमाग लगाया तो बोले ये सब अलाउड नहीं है, गलत है, 6 7 दोनों में गया। एफ फॉर फर्म ने खुद की तारीफें करना, लोगों को बुलाना, 6 और 7 दोनों में गया। बी फॉर बैनर छाप देना, दोनों में गया। ये बहुत ही सेनेटरी सेलिब्रेशंस, ये बहुत ही अजीब सा है। कोई फर्म के 25 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल पूरे होते हैं तो क्या वो पेपर में एडवर्टीजमेंट देकर ये बात को बता सकते हैं? इट इज अलाउड? ओ तेरी, ये तो अलाउड है, ये अलाउड है, ये बहुत क्या केयरफुल है ना, अलाउड है। सेनेटरी सेलिब्रेशंस, बहुत सेलिब्रेशंस होते हैं तो वो बिल्कुल अलाउड है, इट हैज बीन अलाउड आफ्टर कंसिडरिंग बोथ। बोले ऐसा मौका सीए फर्म्स के लाइफ में बहुत रेयरली आता है, और बोले इसके लिए अगर वो पेपर में एडवर्टीजमेंट देना चाहे, ठीक है, तो बिल्कुल दे सकते हैं। देन एच स्टैंड फॉर हिस्ट्री। अब एक फर्म ने क्या किया, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ सक्सेस, अपनी एक हिस्ट्री बुक छाप डाली, पूरी गाथा उसमें डाल दी, पूरी 75 साल कैसे बीते हमारे, सबको दे दिया, और सबको एनवलप्स पे सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स, विजिटिंग पे 75 ईयर्स, ये अलाउड नहीं बोले। तुमको एक न्यूज़पेपर में एड अलाउ की थी उत्ता जीने का लाइफ, तुमने क्या किया, तुमने नहीं किया, हर जगह छाप दिया है सेलिब्रेटिंग 75 ईयर सक्सेस के, तो बोले वो अलाउड नहीं है। ऐसी खुद की हिस्ट्री गाथा छाप करके सबको सर्कुलेट करना सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स, दिस इज नॉट अलाउड। सी एच क्रोमा, FBN क्रोमा, ये क्रोमा टेक्नोलॉजी इफ यू आर अवेयर, ग्रीन बराबर। आर रैंकिंग, अपना डेटा सबमिट करना और रैंकिंग होना, तुम्हारे कितने पार्टनर्स है, तुम्हारे कितने आर्टिकल्स है, कितने क्लाइंट्स है, उसके आपसे मार्क्स मिलते हैं, और वो मार्क्स दे करके फिर उसमें रैंकिंग होती। बोले बहुत ही बेकार, तो खुद को बहुत तोपकान समझ रहे क्या? बोले 7 में गए और लोगों को अट्रैक्ट कर रहे, 6 में भी गए, 6 और 7 दोनों लग जाएगा। ऑफर डॉक्यूमेंट प्रॉस्पेक्टस में तारीफे करना, वापस 6 और 7 दोनों में जाएगा। क्रोमा, एम मैनेजिंग डायरेक्टर को लेटर लिखना कि मैं बहुत सारे लोगों का काम करता हूं, मैं बड़े बड़े लोगों का काम करता हूं, तुम्हारा काम भी तुम मुझसे कराओ। तूने तेरी तारीफ की 7 में गया, सॉलिसिट किया तो 6 में गया, और आखिरी में
एक सेमिनार में गया बंदा, खुद को बहुत बड़ा तोपकान बोला, मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूं मैं, और ऑडियंस को बोला अब आओ फिर से काम करो। आखिरी में ये भी बोला, बेटा तारीफ की, साथ में गए और बुलाया लोगों को तो 6 में गए। ध्यान देंगे साहब, एफ स्टैंड फॉर फर्म ने खुद की तारीफ की, लोगों को बुलाया 6 और 7 दोनों में गए। बी स्टैंड फॉर बैनर छापा, 6 7 दोनों में गए। सी स्टैंड फॉर सेनेटरी सेलिब्रेशन, एक्सेप्शन है, अलाउड है। एच स्टैंड फॉर हिस्ट्री छाप दी, नॉट अलाउड, दोनों में गए 6 और 7 में। आर स्टैंड फॉर रैंकिंग की, 6 और 7 दोनों में गए। ओ स्टैंड फॉर ऑफर डॉक्यूमेंट, दोनों में गए। एम स्टैंड फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर को लेटर लिखना, खुद की तारीफें करना और काम मांगना, दोनों में गए। ए फॉर ऑडियंस, पहले तारीफ करके ऑडियंस को बुलाया, तो दोनों में गए। 6 और 7 सॉर्टेड है साहब, इतने पे चलना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिग फोर की मतलब वो तो न्यूज़पेपर वालों ने की, बिग फोर ने थोड़ी डेटा सबमिट करके खुद की रैंकिंग करवाई। अगर आप खुद जबरदस्ती लोग रैंकिंग करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? मीडिया वाले कुछ भी करते बोले, हम क्या करेंगे? बराबर, दैट इज फाइन। क्विकली 674 इंटरव्यू, कौन सा क्लॉज? अरे कौन सा क्लॉज? 6। क्या कॉन्सेप्ट है? फॉर्म का नाम अलाउड है क्या? यस, तारीफ होनी नहीं चाहिए। बस खत्म हो रहा है सब। ये देखो, ये भी मार्क कर लो, 677, और उसके भी नीचे मैंने एग्जैक्टली जो अभी आपको मैंने बताया गला फड़ फड़ के, वही मैंने नोट लिखा है वहां पे। लाइफ को सिंप्लीफाइड रखो, क्लॉज 6 और 7 में 12 क्लैरिफिकेशन, 10 क्लैरिफिकेशन, 8 कॉमन क्लैरिफिकेशंस। एट थे वो, 6 6 बोल रहा था मैं। फिर ये दूसरे सीए फर्म के पास काम लेने के लिए जा सकते हैं? यस। ईमेल भेज सकते हैं? यस। पेपर में ऐड? नो। मार्क करो 678। मार्क कर रहे के सब? हम लोग टेंडर भर सकते हैं क्या? दो शर्त है, अगर एक्सक्लूसिव हमारा एरिया है, हमारी जहां चलती है, वहां पे मिनिमम ऑडिट फीस होनी चाहिए और डिपॉजिट रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी मिनिमम ऑडिट फीस एंड नो डिपॉजिट रिक्वायरमेंट। दो बातें, मिनिमम ऑडिट फीस ये चार्ट में दिया हुआ है, मिनिमम ऑडिट फीस होनी चाहिए और डिपॉजिट रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। अकड़ के रहो, नॉन एक्सक्लूसिव एरिया में अकड़ छोड़ दो, नॉन एक्सक्लूसिव एरियाज में अकड़ छोड़ दो। कुछ भी नहीं रहा तो भी चलेगा, डिपॉजिट रिक्वायरमेंट भी रीजनेबल है तो चलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, May 06 की एग्जाम के बाद अभी तक नहीं आया है, गुमनाम हो गया। अभी 13 साल हो गए इसको। ओके, ये 2 बार, नवंबर 17 आरटीपी, May 17 आरटीपी, 682। वेबसाइट पे अवार्ड हाईलाइट किया है। अब सुनो, अब आपको लगेगा साथ भी है। अवार्ड हाईलाइटिंग वेबसाइट में सिर्फ क्या लगेगा? 6। एक ही एक्सेप्शन कौन सा? एस्टैब्लिश ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। और मैं आपकी बात से सहमत हूं, इट इज नॉट लॉजिक, हम लॉजिक के लिए बने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। आपको इंस्टीट्यूट को बदलना है, सीए बन जाओ, फिर बदलने की कोशिश करना। ध्यान देंगे। अच्छा, बायोडाटा एंड फोटोग्राफ्स ऑफ पार्टनर्स डाल सकते हैं वेबसाइट पे? यस। उसका डालेंगे, किसका डालेंगे फिर? पासपोर्ट साइज, कुछ लिखा नहीं है, अज्यूम किया गया है पासपोर्ट साइज होगा, वो अजम्पशन ऑथर्स नोट में डाला भी है। 684, 686, कोई भी कलर यूज कर सकते वेबसाइट में? यस। लिंक, वेबसाइट की लिंक सर्कुलेट कर सकते हैं? नो। अच्छा सुनो, तीन बातें, तीन इश्यूज कवर है यहां पे, 686, तीन बातें कवर्ड है इसमें। पहला, वेबसाइट बनाने की परमिशन लेनी है क्या? सुन लो, यहां पे वेबसाइट बनाने की कोई परमिशन नहीं लगती, बनाने के बाद कोई इंटीमेशन भी नहीं करना पड़ता। सुनो,
गाइडलाइंस में ऐसा लिखा है एनुअल फीस कलेक्शन करते वक्त वेबसाइट के डिटेल्स ले सकता इंस्टीट्यूट, लेकिन प्रैक्टिकली लेता नहीं है। तो इन शॉर्ट ना परमिशन लेनी है ना बनाने के बाद इंटीमेशन करना है, बोथ आर नॉट रिक्वायर्ड। अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं, जो यूज करना है करो, काला नीला पीला जो यूज करना है करो। और फिर तीसरा, लेकिन सर्कुलेशन कर सकते हैं? नो, वेबसाइट बनाओ लेकिन आप उसको ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते। $692 पे आइए। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों की बैटरी डाउन हो चुकी है, लेकिन अब ऐसा है कि थोड़ा सा ही बाकी है, थोड़ा सा ही बाकी है, तो हम आज संतुष्ट होके जाएंगे। कोर ऑडिट प्रोसेस किया, 400 सीरीज की, 500 सीरीज की, प्रोफेशनल एथिक्स कर लिया, बराबर। और प्रोफेशनल एथिक्स खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगी अगर ठीक है। गलत, ये डिस्करेजिंग, ध्यान देंगे। लेकिन सब आसान है बहुत, देख तेरे को रटा हुआ है, तेरे को आसान लगता बोले, हमारा कैसा, ध्यान देंगे। लिसन, ये बहुत अच्छा केस है, और 15 एग्जाम के बाद अभी आया नहीं है रिसेंटली। आप पहले सेबी में ऐसा अलाउड था कि आप फर्म खुद को रजिस्टर करवा सकती है एज अ मर्चेंट बैंकर। क्या रजिस्टर कराया जाता है? मर्चेंट बैंकर। सीए इंस्टीट्यूट ने बोला ठीक है आप खुद का रजिस्ट्रेशन करवा लो, वो एक बात है। प्रोस्पेक्टस में आपके फर्म के नीचे लिखा जाएगा, आपके नाम के आपके फर्म के नीचे एडवाइजर टू इशू, और आपके विजिटिंग कार्ड पे लेटरहेड पे लिखा होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट। एग्जाम में केस आया, इन्होंने प्रोस्पेक्टस में खुद को लिखा है मर्चेंट बैंकर, और लेटरहेड पे लिखा है एडवाइजर टू इशू। सत्यानाश बोले, दोनों जगह गलत। समझ रहे क्या सब? अरे समझ रहे क्या? क्विकली, प्रोस्पेक्टस में सीए सीए फॉर्म के नीचे क्या अलाउड है? एडवाइजर टू इशू, और लेटर हेड पे क्या अलाउड है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन्होंने उल्टा किया तो बोले दोनों जगह गलत किया आपने, जहां पे एडवाइजर टू इशू अलाउड था वहां पे लिख दिया मर्चेंट बैंकर, और जहां पे अलाउड था चार्टर्ड अकाउंट लिखना वहां तुमने लिखा एडवाइजर टू इशू। दोनों गलत, मिसकंडक्ट। 692 था, 694। एक ही विजिटिंग कार्ड पे, विजिटिंग कार्ड पे, अब अच्छा जैसे वेबसाइट पे क्या रूल था 6, एक एक्सेप्शन, वैसे ही 99% विजिटिंग कार्ड के सभी केसेस में क्या लगेगा? 7, सब में 7 लगेगा। अपने नोट्स में मैंने दिया सब में 7, एक खाद इसमें 6 लगता है, ठीक है ध्यान देंगे। विजिटिंग कार्ड पे चार फॉर्म का नाम छाप दिया, मैं इधर पार्टनर हूं, इधर पार्टनर हूं, इधर पार्टनर हूं, इधर पार्टनर हूं, चलेगा? यस, नहीं तो पत्ते बांटने पड़ेंगे, चार लेके घूमने पड़ेंगे सब जगह, 1 2 3 4, वो अलाउड है साहब। अब पार्टनर हो तो वो कोई पब्लिसिटी क्या है भाई, पार्टनर फैक्ट है वो। क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये तो नवंबर 17 में पूछा था, क्विक रिस्पॉन्स कोड अलाउड है, उससे उतनी जानकारी आनी चाहिए जितनी अलाउड होती है विजिटिंग कार्ड पे। अरे बात समझ रहे क्या सब? यस नो, यस नो। सुनो, बहुत सी बार ऐसा देखा गया है आखिरी के आधे घंटे में जो डिस्कस करते हैं उसमें से 10 मार्क का आ जाता, बहुत कमीना है बोले तुम। और मुझे ऐसा लग रहा है वो आधा घंटा यही है, ठीक है, ऐसा होता क्या? 696.10। अरे सिर्फ मार्क करते जाना है, और रिवीजन हो रही है कि भाई जो इंपॉर्टेंट बात थी उसको हम लोग, कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर, ठीक है, सिर्फ दो चीजें अलाउड है, हैंड डिलीवरी और आरपीएडी। बंधु ने फोन मार दिया, बराबर, नॉट अलाउड। फोन से परमिशन ले ली, अलाउड नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग मतलब सादा पोस्ट, अलाउड नहीं है। समझ रहे क्या साहब? ओ भाई समझ रहे क्या? वेरी गुड,
ये 699। मुझे बताओ पहले क्लॉज नंबर 8 इंटरनल ऑडिटर्स को लगता है क्या? यस, सब ऑडिट को लगता है। क्लॉज नंबर 8 एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, एनी ऑडिट एक्सेप्ट टू स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट को नहीं लगता, ठीक है, एक स्पेशल ऑडिट को नहीं लगता। और दूसरा, आपके अगर ऑडिट, अगर आपका जो पुराना बंदा है वो सीए नहीं था, वो कौन था? सीडब्ल्यू, मतलब दूसरा कोई बंदा था। अगर कोई दूसरा बंदा था तो वहां पे लगता नहीं है। अगर जैसे इंटरनल ऑडिटर है लेकिन पहले बस सीडब्ल्यू करता था, तो वहां पे आपको उससे बात करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे सब? लिसन, क्लॉज नंबर 8 इज एप्लीकेबल टू ऑल दी ऑडिट्स, सभी ऑडिट्स को एप्लीकेबल है। एक्सेप्शन मैंने बता दिया, स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट को लगता नहीं है। और अगर पुराना बंदा कौन है? सीडब्ल्यू है, नॉन अदर देन सीए, नॉन सीए, तो आपको उसको भाव देने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोला इंस्टीट्यूट ने, अपने बिरादरी का ख्याल रखो, उतना ही कर लिया बहुत है बोले। सुनो यहां पे इंटरेस्टिंग केस है। अब इंटरनल ऑडिटर को नया काम मिला, उसने बोला है स्टैट्यूटरी ऑडिटर से को उसने कम्युनिकेट नहीं किया, क्यों करेगा? तो इन्होंने समझाया वहां पे, इंटरनल ऑडिटर किससे कम्युनिकेट करेगा? इंटरनल ऑडिटर को। दिस क्लॉज इज फॉर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑडिटर हुआ है तो कम्युनिकेट करो। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जाएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर से बात करेगा, ऐसे क्रॉस कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं। तो वहां लिखा है, उन्होंने समझाया, रिप्लेसमेंट के लिए ये क्लॉज है, पैरेलल पोजीशंस के लिए क्लॉज नहीं है। समझा के साहब? इंटरनल ऑडिटर को काम मिलेगा तो पुराने इंटरनल ऑडिटर से बात करना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को काम मिलेगा तो पुराने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से बात करना, सब क्रॉस कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है। मई 19 के मॉक टेस्ट पेपर में है। सात सौ दो सुन लो, ये क्या अंडरकटिंग अलाउड है क्या? कुछ लोगों ने हथियार डाल दे तू सुना बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, अंडरकटिंग समझती है क्या भाई? पहले तो अलाउड नहीं, अभी सर हम जिस जोन में है ना, ये अब सब स्लो मोशन में चल रहा है, तुम कुछ भी बोलो सब अलाउड है बोला। सुनो, सुन लो, देखो सही में आ जाएगा। कम फीस चार्ज करना अंडरकटिंग, सुन लो। 2006-07 के पहले 13 क्लॉज हुआ करते थे फर्स्ट शेड्यूल में, और तब अंडरकटिंग को बैन किया था। अब वो क्लॉज निकल गया है, मतलब अंडर कटिंग अलाउड है, जस्टिफाइड रीजन हो या फिर अनजस्टिफाइड रीजन हो। समझ रहे क्या आप? 2006-07 के पहले था अंडर कटिंग इज अलाउड इफ इट जस्टिफाइड। अच्छा, अपनी सिटी का सीए अपॉइंट कर रहे हो तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं है, कम फीस चार्ज करना है, पहले ऐसा बोलते थे, जस्टिफाइड होना चाहिए अंडर कटिंग। अब अंडर कटिंग इज अलाउड, अंडर कटिंग इज अलाउड, जस्टिफाइड हो या ना हो। बात समझी गए सब? अरे आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 702 प्रैक्टिस पैनल में है ये क्वेश्चन, और मैंने वो उसका नोट में भी हाईलाइट किया है। ओके, ध्यान देंगे, सुन लीजिए। सुनो, अब ये क्वेश्चन आपको पढ़ते पढ़ते कभी आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं आपके भी आप में मैच पूछ लेता। 705, बच्चों को डाउट ये रहता है सर कि क्लॉज नंबर 4 और क्लॉज नंबर 9, क्लॉज नंबर 4 अगर आपको याद है, सचिन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अरे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, क्लॉज नंबर 9 रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट रांची, अलग अलग शेड्यूल का है। समझ रहे क्या? ओ भाई सचिन कौन से इसका है? सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1, 1, 2, 3, 4। रांची कहां था? फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 9, 8 हो गए थे, 8 के बाद पहला कौन सा? 9। सुनो, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ऑडिटर और क्लाइंट में क्लोज रिलेशनशिप है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से आंसर देना, क्लॉज 9 लगाना। क्लॉज 9 इज रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, डू यू एग्री विथ मी? अरे क्लॉज 9 रांची इज रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, ये एक्सेप्ट करने से पहले देखो अपॉइंटमेंट सही था ना और रिमूवल सही था कि नहीं। यस नो, अगर बंदा डिस्क्वालिफाइड है मतलब अपॉइंटमेंट,
अपॉइंटमेंट सही नहीं है। डू यू एग्री विथ मी? नो लिसन, अब ध्यान सुनो, उसको हमने पूरा एनालिसिस करके नीचे लिखा है, ध्यान से सुन लो हो, ठीक है? उसके मतलब पहले ये दो अलग अलग पॉइंट है, ये सेपरेट पॉइंट है, ध्यान देंगे, सुनो, लिसन। सचिन वाला जो क्लॉज है आपको बता दे रहा हूं, अगर सीए का और उसके पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो ओपिनियन नहीं दे सकता। ये सचिन वाला क्लॉज 4 में लिखा है। कहां लिखा साहब? क्लॉज 4 में। अगर आप क्लॉज पढ़ोगे तो आपको दिखेगा सीए और उसके पार्टनर्स का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सीए और उसके रिश्तेदारों का अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो लिखा है काउंसिल गाइडलाइंस में 2008। क्या बोला मैंने? काउंसिल गाइडलाइंस 2008, लेकिन उसमें दोनों रेफर करना, काउंसिल गाइडलाइन 2008 ऑल्सो एंड क्लॉज 4 ऑल्सो। समझ रहे क्या? सीए और सीए के रिश्तेदारों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, क्या लगाऊंगे? अरे भाई बराबर सही, काउंसिल गाइडलाइंस प्लस क्लॉज 4 दोनों, और अगर पार्टनर का और उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो क्लॉज 4 से। समझा क्या आपको? अरे समझा क्या? अब आगे सुनो, ये एक क्लैरिफिकेशन है, ठीक है? ये अलग क्वेश्चन है, आता है। अब आगे बच्चों को ये सवाल है कि सर सुन लो, अगर ऑडिटर और कंपनी के बीच में किसी भी तरह का रिलेशनशिप दिया है तो हमेशा क्लॉज 4 लगाना। क्या लगाना साहब? क्लॉज 4, और हमेशा काउंसिल गाइडलाइंस का भी रेफरेंस देना। क्लोज रिलेशनशिप्स कुछ भी दिए हुए अगर, मतलब किसी भी तरह का रिलेशनशिप दिया हुआ है तो ऑलवेज अप्लाई क्लॉज 4 एंड काउंसिल गाइडलाइंस। सर मतलब जैसे इस पर्टिकुलर केस में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये केस तो ठीक है, रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन आता है? मैं, वन लेयर, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, स्पाउस, एक लेयर एज पर AS 18, एज पर AS 18 एक लेयर आता है। तो एग्जाम में ऐसा अगर केस आया कि भाई एग्जाम में ऐसा केस आया कि स्पाउसेस सिस्टर्स हस्बैंड, ऐसा क्वेश्चन है, स्पाउस के सिस्टर के हस्बैंड, अरे स्पाउस का तो कोई रिश्तेदार ही नहीं आता पहली बात, तो रिश्तेदार सिर्फ किसके आते हैं? सीए के। यस नो? स्पाउस आता है रिलेटिव में, लेकिन स्पाउस के रिलेटिव आते तो स्पाउस की सिस्टर तो आती नहीं, सिस्टर के हस्बैंड वो तो आने वाली नहीं है। यस नो? नो लिसन, अब ऐसा रिलेशन दिया है तो आपको इसमें क्लॉज 4 भी रेफर करना पड़ेगा, काउंसिल गाइडलाइंस भी रेफर करनी पड़ेगी। समझ रहे क्या? अब कंपनीज एक्ट भी आ गया कि रिलेटिव के पास में 1 लाख के ऊपर फेस वैल्यू के शेयर्स होने नहीं चाहिए, तो कंपनीज एक्ट भी आ गया, और कंपनीज एक्ट आ गया साथ में क्लॉज नंबर 9 भी आ गया। समझ रहे क्या साहब? क्लोज रिलेशन होगा तो कौन सा क्लॉज लाएगा? 4, काउंसिल साथ, और कौन सा लग जाता है आपका? क्लॉज 9। डायरेक्टर, ध्यान देंगे, वहां लिखा है मैंने डायरेक्टर और शेयर्स, अगर ये वर्ड आया तो कंपनीज एक्ट भी लगा देना और साथ में क्लॉज नंबर 9 भी लगा देना। समझ रहे क्या भाई? अरे समझ रहे क्या? मैं समझ रहा हूं कि थोड़ी अब चीजें ओवरलोड हो गई, लेकिन इट्स ओके, ठीक है। Now, now, अरे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अति 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 इंपॉर्टेंट।
क्या परसेंटेज बेसिस पे आप लोन पे चार्ज कर सकते हो क्या? यस नो? सुन लो सुन लो, ध्यान देंगे। सीए इंस्टीट्यूट ने रेगुलेशन 192 बनाया और उसमें बोला सर्टन फाइनेंशियल सर्विसेज परसेंटेज बेसिस पे अलाउड है, और सीए इंस्टीट्यूट ने एग्जाम पूछा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा लोन पे अलाउड है क्या? आंसर दिया गया नॉट अलाउड, क्योंकि सर्टन फाइनेंशियल सर्विसेज इज नॉट येट डिफाइंड। बोर्ड ऑफ स्टडीज ने बहुत माथापच्ची की, अरे भाई सर्टन फाइनेंशियल सर्विसेज अगर डिफाइंड नहीं है तो आप उसका कॉमन मतलब ले लो। ले नहीं, जब तक इंस्टीट्यूट सर्टन फाइनेंशियल सर्विसेज को खुद डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक कुछ भी अलाउड नहीं है। दिस इज द स्टैंड टेकन बाय द इंस्टीट्यूट एंड यू हैव टू डू द सेम। मैं भी उनकी बात फिर मान लिया, ठीक है भाई आपके बात में थोड़ा दम तो है, सर्टन वर्ड यूज किया है उसकी अहमियत है, समझ रहे क्या? तो क्योंकि सर्टन वर्ड इज नॉट डिफाइंड, सर्टन फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब क्या होता ये डिफाइन किया हुआ नहीं है, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट डिफाइंड, तो उस वजह से करेक्ट बात समझी के साहब, इट इज नॉट अलाउड। लिक्विडेटर कर सकता है परसेंटेज बेस? यस 709। ओके 716 पे आइए। ट्यूटरशिप पे ज्ञान बांटा जाए, तीन मुद्दे उस पे, उसका कौन सा है? 716 नंबर, 716 सबको मिल रहा है क्या भाई? थोड़ा धीरे चले। अरे लास्ट किधर मैडम, खत्म करना है खत्म, हमको खत्म मत करो बोले तुमको। सुनो सुनो, चलिए सुनो, ध्यान देंगे, सुनिए। लिसन, आप अगर छोटे लेवल पर अपने घर पे अपने ऑफिस में किसी को पढ़ाना चाहते हो, दैट इज प्राइवेट ट्यूटरशिप, बिना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के घर जाके पढ़ाना चाहते हो, घर जाके पढ़ाना चाहते हो, इट इज परफेक्टली फाइन, तो आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। उससे बड़ा, सीए इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहते हो, ट्यूटरशिप लेक्चरशिप कुछ भी करना चाहते हो, अलाउड नहीं है, अलाउड है, परमिशन की जरूरत नहीं है, समझ? प्राइवेट ट्यूटरशिप परमिशन की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाना कुछ भी पढ़ाओ जा जाके, परमिशन की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बाहर कहीं पर भी पढ़ाना है भाई, फिर कुछ भी पढ़ाना है तुमको, ट्यूटरशिप हो लेक्चरशिप हो, सब में प्रायर परमिशन लगती, बराबर लेक्चरशिप में भी लगेगी अगर इंस्टीट्यूट के बाहर है तो। एक मिनट, अप्रूवल रिक्वायर्ड लिखो वहां पर, नॉट कट करो। अप्रूवल रिक्वायर्ड, नॉट वर्ड कट करें भाई, दोनों जगह अप्रूवल रिक्वायर्ड। यस मतलब आप कहां पढ़ा रहे हो वहां से परमिशंस बदल जाती है, प्राइवेट ट्यूटरशिप नो परमिशन रिक्वायर्ड, सीए इंस्टीट्यूट नो परमिशन रिक्वायर्ड, बाहर परमिशंस आर रिक्वायर्ड, कुछ भी करना है तो। 719 सब खत्म हो रहा है साहब, बस थ्रू। बंदे ने जॉब ले लिया और बोलता है 10 दिन बाद फिर मैं अप्लाई करता हूं, ओ भैया जॉब लेना है तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। 719 मार्क करो कि भाई 10 दिन, विद इन 10 डेज, ऐसा नहीं है, लगातार ना। लिसन,
722 ध्यान देंगे, लिसन। सीए एम्प्लॉई फॉर्म के बिहाफ में क्या क्या साइन कर सकता है? कैन ही साइन अ रिपोर्ट और सर्टिफिकेट? हु कैन साइन? पार्टनर। सीए इन प्रैक्टिस जो कौन हो? पार्टनर। सीए एम्प्लॉय साइन कर सकता है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सर्टिफिकेट्स अंडर एनी लॉ, ऑडिट क्वेरीज, कैन ही रिप्रेजेंट क्लाइंट इन इनकम टैक्स? क्वेरी साइन कर ले बेटा, सीए एम्प्लॉय क्वेरी साइन करा है, एब्सोल्युटली फाइन। अब क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना, आर्टिकल रिप्रेजेंट करते, जब बॉस को पैसे देने नहीं रहते तो आर्टिकल को आगे कर देते, तू जा, तेरे पास पैसे मांगेगा तो क्या मांगेगा आप, बराबर स्टाइपेंड, बेचारे शर्म के मारे मर जाएंगे। ओके, ध्यान देंगे। 733 बस आखिरी कुछ चीजें खत्म। और कितने हैं? ध्यान देंगे, लिसन। ओके, आप लोगों की भावनाएं सुन के आखिरी ने अभी ये, हाँ ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल खत्म हो गया। ध्यान देंगे, लिसन। फेल टू रिटर्न बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने पढ़ा था, अदर मिसकंडक्ट। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वापस देते नहीं हो तो अदर मिसकंडक्ट। 21, 22 भी लगाने का, और उसके बाद में शेम ऑन यू करके था, सेकेंड शेड्यूल पार्ट 4 क्लॉज 2 भी लगाना है उस पर, फर्स्ट शेड्यूल, सॉरी 737 फर्स्ट शेड्यूल खत्म हो रहा, खत्म हो उसको। अपने पावर्स का मिसयूज करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों को लोन दिलवाया, अगर ऐसा किया तो वापस क्या? अदर मिसकंडक्ट। 737.01 आर्टिकल से काम करवाया, इलेक्शन कैंपेनिंग का, नवंबर 18 आरटीपी, नवंबर 19 आरटीपी, ठीक है। ओके, ध्यान देंगे। तो आज हम लोगों ने कोर ऑडिट प्रोसेस देखा, फिर हम लोगों ने 400, 500 और फिर देखा प्रोफेशनल एथिक्स के सेक्शंस, शॉर्टकट्स एंड फर्स्ट शेड्यूल। नाउ लिसन, ध्यान देंगे। आइडियली गो होम, टेक रेस्ट, और कल सुबह जब आने वाले तो आपके पास में थोड़ा समय होता है क्लास में आने से पहले, तो सिर्फ आप जो क्वेश्चंस हमने देखे थे उसको सिर्फ आप ओवरव्यू की, इसकी कहानी क्या थी, यू मे नॉट बी अवेयर अबाउट द ईच एंड एवरी इंट्रिकसी, क्या कहानी थी, सिर्फ उतना आप, क्या कहानी थी उतना आप लोग सिर्फ ओवरव्यू करके आ सकते हो, करेक्ट। कल स्टैंडर्ड्स खत्म करेंगे, टैक्स ऑडिट पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड्स खत्म, टैक्स ऑडिट खत्म, प्रोफेशनल एथिक्स, और फिर जो कुछ छोटे चैप्टर्स रहेंगे वो देखेंगे, ठीक है।